नमस्कार दोस्तों, पिक सीरीज के ये फ्री पियानो कोर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये छोटे से पार्ट को स्किप मत करना क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ जो आपको पूरे वीडियो में बहुत ही मददगार रहेगी। ठीक है, सो अब अपने पियानो सीखने का ये स्टेप ले लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एकदम सही जगह पे आए हो और आखिरकार आपने सोना फ्री में पा ही लिया है। अब आपको लग रहा होगा सोना, देखिए सोने के भाव दिन बर दिन बढ़ते जाते हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। वैसे ही हमने हमारे कोर्स में भर भर के वैल्यूज डाली है जिससे आप प्रो पियानो प्लेयर बनेंगे। एंड टेंशन मत लीजिए, इसका कोई प्राइस नहीं है, ये आपके लिए एकदम मुफ्त में है, इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि यार, वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और साथ में बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कीजिए। अब इसके दो फायदे, सबसे पहला कि ये पूरा पियानो कोर्स है आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, इसकी वर्कशीट्स एंड पीडीएफ भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। एंड इंडस्ट्री में कई सारे पेड कोर्सेज है, उनसे ये कई गुना बेहतर है एंड इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। अब दूसरा रीजन ये है कि कोर्स को फॉलो करने के बाद आपको नए नए सॉन्ग सीखने की इच्छा होगी, राइट? तो हम हमारे चैनल पे डेली रोज एक नए नए पियानो ट्यूटोरियल्स लाते रहते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप एंड कॉर्ड्स के साथ, मतलब आप दोनों हाथों से सीख पाओगे पियानो डेली। तो इसलिए पिक सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इंस्ट्रक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोर्स को थोरोली फॉलो कीजिए एंड व्हाट्सएप नंबर पे हमसे टेक्स्ट करके हमसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए, जहां पे मैं आपके 1-to-1 डाउट्स को सॉल्व कर पाऊंगा एंड आपको वहां पे फ्री पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ जस्ट कुडाला फ्रॉम पिक सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज ये हमारी फ्री कोर्स की सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, सो वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट लेसन ऑफ फ्री पियानो कोर्स बाय पिक सीरीज। तो आज स्टार्ट करेंगे, आज हम पहले आपने टाइटल में पढ़ा होगा अलंकार करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। इसके साथ हम आज पियानो की एकदम बेसिक जानकारी लेंगे, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। और अगर आप थोरोली फॉलो करते हो इसको तो मैं लेके जाऊंगा आपको एडवांस तक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो ओपन किया ये सीरीज को तो एंड तक मेरे साथ बने रहना, और साथ साथ में मतलब आप सीख रहे हो तो अभी आपको और भी लेसन्स चाहिए होंगे। सो यहाँ पे जो आई बटन पे लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो पूरी प्लेलिस्ट है फ्री कोर्स की, आप सारे वीडियोज को अच्छे से देख पाओगे। और आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया पियानो बजाने लग जाओगे फिर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, बैठना कैसे है। ठीक है, सो देखो मैं कैसे बैठा हूँ, सिंपल एकदम फ्रीली, हाथ पाथ को कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम फ्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बैठ तो गए आप, अब पियानो की ये जो होता है इसकी जो लेवलिंग वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब हाथ इधर रखते हो पियानो पे, राइट, ये हमारा पियानो हो गया। ठीक है, इसको आप हाथ जब रखते हो तो मेक श्योर कि ये देखो मैं साइड से दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा जो हाथ है यहाँ पे 90 डिग्री है, ये देखो ये वाला। अब इससे फायदा क्या होगा, ये 90 डिग्री आपका हाथ होना चाहिए जब आप प्ले कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब इससे फायदा क्या होता है कि देखो, जो अगर आपके हाथ ऐसे ऊपर रहते, मतलब आप नीचे बैठे हो लेकिन आपका कीबोर्ड का लेवल अप है, राइट, तो ये क्या होगा, आपका ये बैंड होगा, राइट। अब ये बैंड होगा और साथ साथ में ये भी ऐसे ऊपर रहेगा, तो चांसेस है कि आपको यहाँ पे पेन होगा। आप प्ले करोगे मतलब ऐसे एकदम मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको प्ले करना, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, राइट। और बहुत ज़्यादा नीचे है तो क्या होगा कि आपके हाथ ऐसे बैंड होंगे, तो मेक श्योर कि आपके हाथ सीधे रहे, राइट, प्ले करते टाइम आपको ऐसे रखना है। और अब क्या होगा कि आप प्ले करोगे तो आपको ये हाथ सिर्फ ऐसे ही मूव करना है। ठीक है, अब आपके हाथ ऐसे होंगे तो ये सारा पूरा मूव करेगा, आपका यहाँ पे भी पूरा प्रेशर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि सिंपल 90 डिग्री रखना है और कंफर्टेबली बैठना है। आपको जैसा कंफर्टेबल जो चेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कंफर्टेबली 90 डिग्री पोजीशन पे बैठना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सिटिंग पोजीशन। अब बात करते हैं कीबोर्ड पे आ जाते हैं, कीबोर्ड का पैड आपको अच्छे से दिख रहा है, देखो कितना सुंदर सा पैड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ब्लैक कीज है, व्हाइट कीज है। अब आपने एक चीज पियानो में नोटिस की होगी कि यहाँ पे दो ब्लैक कीज है, तीन ब्लैक कीज है, मतलब ग्रुप दो का है, फिर तीन का है, फिर से दो का है, फिर से तीन का, यहाँ पे फिर से तीन का, दो का। तो इससे आपको एक चीज क्लियर होती है कि ये जो की है और ये की है, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी साल लिखा है, यहाँ पे भी साल लिखा है। ठीक है, वो सब सारे कामों पे हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये दो की सेम है। अब देखो मैं प्ले करके बताता हूँ, ये की हो गई, अब ये की देखते हैं। देखो आप अगर नोटिस करो तो फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है। ये हो गया सा, ये हो गया सा, देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, मतलब ऐसा ही है। अगर आप लोअर पे जाओगे तो और लो, एकदम लोअर के
और लो, हाय गए और हाय, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ऑक्टेव्स की। तो अब देखो, आपको कीबोर्ड पे आपने देखा होगा एक चीज कि यहां से अगर हम स्टार्ट करें, ये जो ब्लैक की है उसकी जस्ट नीचे वाले की, ठीक है, उसके जस्ट चिपकी हुई की ये, और यहां से लेके आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 की है। और इसके बाद फिर से ये सेम है, देखा, सा के नीचे वाली की, ये वाली और ये वाली की दोनों सेम है, तो इसको हम कहेंगे एक ऑक्टेव, ठीक है। ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा एक ऑक्टेव। अब ये तो हो गया वेस्टर्न नेम इसका, ऑक्टेव। अब इसको हिंदी में कहते हैं सप्तक, ठीक है, क्या कहते हैं सप्तक, और सप्तक क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया सप्तक, अब ये हो गया हमारा मिडल ऑक्टेव और मध्य सप्तक, ठीक है, ये हो गया उसका नेम मिडल ऑक्टेव। फिर पीछे आते हैं, सेम चीज, यहां से देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक, ये हो गया हमारा दूसरा ऑक्टेव, इसको बोलेंगे हम लोअर ऑक्टेव और हिंदी में कहेंगे इसको मंत्र सप्तक, ठीक है। अब वैसे ही आगे जाते हैं तो यहां पे भी सेम चीज, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये दूसरा ऑक्टेव हो गया हमारा, इसको कहेंगे हम हायर ऑक्टेव, तो इसको इंग्लिश मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तार सप्तक। तो ये हो गया हमारे बेसिक तीन सप्तक। लेकिन अब ये मेरा जो कीबोर्ड है वो 61 कीज का है, हो सकता है आपका 44 कीज का हो, या उससे भी कम हो, या उससे भी ज्यादा हो, ठीक है। तो मेरा जो 61 की का कीबोर्ड है उसमें 5 ऑक्टेव्स होते हैं, 5 सप्तक होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला वाला ऑक्टेव है उसको कहेंगे लोअर लो ऑक्टेव, क्या कहेंगे, लोअर लो ऑक्टेव। उससे एक ऑक्टेव हाई आएंगे तो कहेंगे लोअर ऑक्टेव, लो ऑक्टेव, मतलब लोअर लो लो, और उसके बाद आ जाता है मिडल ऑक्टेव, उसके आगे वाला हायर ऑक्टेव, और उसके लास्ट वाला हायर हाई ऑक्टेव, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मेरा जो कीबोर्ड है वो 61 कीज का है, और एक ऑक्टेव में कितने की होती है, 60, मतलब एक ऑक्टेव में 12 की होती है, तो 5 × 12 कितना होता है 60, तो एक की हमारे पास एक्स्ट्रा आती है कीबोर्ड में, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एक की आती है, जो आता है हमारा ऑक्टेव का स्टार्टिंग। सी देखो, मैं प्ले करके बताता हूँ, मतलब ये वाली की है हमारी, ये वाली, ये जितनी भी 1 2 3 ये वाली की होती है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया ऑक्टेव्स के बारे में, ठीक है। अब ऑक्टेव्स में 12 सुर होते हैं, अब 12 में से हमारे जो 7 सुर होते हैं वो होते हैं शुद्ध स्वर, क्या कहेंगे उसको, शुद्ध स्वर। 4 होते हैं हमारे कोमल स्वर, 7 + 4 तो हो गया 11, अभी भी एक स्वर बचा है, वो हो गया हमारा तीव्र स्वर, ठीक है। तो हो गया 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आप यहां तक आ गए और आपको मजा आ रहा है सीखने में, तो मेक श्योर सब्सक्राइब पिक सीरीज, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप वीडियोस को मिस कर दोगे, और आप नहीं तो पियानो अच्छे से सीख नहीं पाओगे, जो ये सिस्टमेटिक जो सीरीज चलेगी वो आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 7 शुद्ध स्वर की। तो आपको कीबोर्ड पे दिख ही रहे होंगे ये सब सुर मैंने लिखे हुए हैं यहां पे, मां किया वैसा रे गम, आसानी से इसकी फिंगर पोजीशंस के साथ भी देखेंगे, लेकिन पहले इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा थियरी क्यों करवा रहे हो सर, मतलब इतना ज्यादा क्या जरूरत है, डायरेक्ट हमको तो गाने सिखाओ। लेकिन अब जैसे आप कोई भी चीज सीखते हो, आपको बोलते हैं क्रिकेट का सी आता है, ABCD का, सॉरी ABCD नहीं, डांस का डी आता है, वैसे ही म्यूजिक का, सारे गम का सा, ये सब हमें सीखना जरूरी है, ठीक है। तो ये सीखेंगे हम, सा को कहते हैं षडज, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हो, रे को कहते हैं ऋषभ, ठीक है, ग को कहते हैं गंधार, फिर म को कहते हैं मध्यम, तो क्या हो गया षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, फिर प को कहते हैं पंचम, ठीक है, क्या कहते हैं पंचम, ध को कहते हैं धैवत, फिर आ गया हमारा सातवां स्वर जो कि है नी, उसको कहते हैं निषाद, ठीक है। और इसी को हम वेस्टर्न में CDEFG AB, और वैसे ही अगर और थोड़ा वेस्टर्न जाए तो डोरेमी फसोलाटी, ये होता है, ठीक है। और मतलब 7 ही स्वर होते हैं, आपने सुना होगा कि 7 सुर में पूरा गाना होता है, ऐसे ही यही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, ठीक है। तो ये 7 स्वर हमने देख लिए शुद्ध स्वर। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सारे गम आपको पता चल गए 7 शुद्ध स्वर होते हैं, फिर कोमल स्वर हम आगे देखेंगे, तीव्र स्वर भी देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि सारे गम को प्ले करने के लिए फिंगर पोजीशंस कौन सी होनी चाहिए, और मैं बता रहा हूँ फिंगर पोजीशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल प्लेइंग कीबोर्ड, क्योंकि अगर आप गलत फिंगर पोजीशंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस गलत होगी, प्ले तो कर लोगे लेकिन प्रैक्टिस गलत होगी, और उससे गलत और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारी 1 2 3 4 5, मतलब 5 फिंगर्स है हमारी हाथ की। अब ये लेफ्ट हैंड को, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको लॉक करके पीछे रख दीजिए, अभी उसका काम नहीं है, अब ऐसे राइट हैंड से सीखेंगे। तो ये है मेरा हाथ, 1 2 3 4 5 फिंगर है,
अब मेरे साथ दोहराइए, सा सिंपल इंडेक्स फिंगर सा, ये हो गया मिडिल फिंगर रे, फिर ग, अब ग में हमारा आएगा थंब, ठीक है, तो हो गया सा रे ग, फिर आगे जाएंगे फिर से म इंडेक्स फिंगर प मिडिल फिंगर द रिंग फिंगर, ठीक है हो गया सा रे ग म प ध और लास्ट नी, नी में फिर से हम थंब यूज करेंगे, तो हो गया नी और लास्ट फिर से जो सा है वो फिर से सेम होगा, तो उसके लिए वन इंडेक्स फिंगर हमारी, ठीक है, तो ये हो गया सा रे ग म प ध नी सा। तो फ्रेंड्स इसमें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, ये जो सारी जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो सारी चीज आपको वर्कशीट में मिलेगी, और वर्कशीट के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, वर्कशीट के लिए यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, दैट इज 9106723893, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए कि लेसन नंबर 1 पीडीएफ फाइल प्लीज सेंड कीजिए, तो हम आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर लेंगे और आप उसमें रिफर भी कर सकते हो, चाहे तो प्रिंट आउट करा के भी आप कर सकते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको इंस्टीट्यूट में से कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमने फिंगर पोजीशंस भी देख ली, अब आ जाते हैं हमारे कीबोर्ड पैड पे, अब हमें प्ले करना है सारे गम, ठीक है, तो अब हमारे जैसे हमने डिस्कस किया था सा, ये जो दो ब्लैक कीज है उसमें फर्स्ट वाली, आपको मैं बता रहा हूं ये वाले आपको ऐसे जो ये स्टिकर्स है वो स्टिकर्स नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप स्टिकर्स पे डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। अब मेरे को तो क्या है कि मतलब मैं स्टिकर्स हो या ना हो मुझे सारे सॉन्ग्स प्ले करना आता है, तो उसके भी मुझे स्टिकर्स हो या ना हो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आपको स्टिकर्स नहीं लगाना है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, ठीक है, स्टिकर्स से आप डिपेंड हो जाओगे वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहली दो ब्लैक कीज में से क्या करना है, मध्य सप्तक से स्टार्ट करना है सा, फिर सेकेंड फिंगर रे के लिए, तो रे मतलब दो ब्लैक कीज सा रे, ठीक है। अब ये लिखा है ग, अब देखो यहां पे क्या करना है, इसके जो जस्ट नीचे वाले की है उसको क्रॉस, ये हमें प्ले नहीं करनी, अब क्या करना है ग पे आना है, तो ये छोड़ के ये, तो क्या सा रे ग, ठीक है, फिर आगे देखेंगे इसके जस्ट ऊपर वाले की, और ये जो तीन का ग्रुप है उसमें म, फिर आगे ये सेकेंड फिंगर जैसे किया था सा रे ग म प, तो प फिर द, ठीक है म प द, तीन फिंगर ये जो हमने जैसे हमने डिस्कस किया था, तो क्या सा रे ग म प द, फिर नी के लिए फिर से हमने थंब यूज किया था, तो नी इसमें भी सेम है, इसके जस्ट नीचे वाले की को क्रॉस कर दीजिए, उसको नी प्ले करना है, उसके बाजू वाले की को ये वाला नी, और लास्ट फिर से जो होगा हमारा सा, सिंपल। तो ये हो गया, अब इसको प्ले कैसे करते हैं, मतलब पूरा साथ में कैसे प्ले करेंगे, देखो ऐसे होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे देखो सारे गमों तो आप ऐसे भी प्ले कर सकते हो, आप कुछ भी फिंगर्स यूज कर लोगे तो सारे गमा प्ले हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है ये चीज, सारे गमा प्ले करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारे गमा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे फिंगर पोजीशंस, और मैं ये अपने सब स्टूडेंट्स को बताता हूं कि फिंगर पोजीशंस इज मस्ट, उसमें कॉम्प्रोमाइज जरा भी नहीं करना है, सा ध नी, और फिर यहाँ पे फर्स्ट ही यूज करना है, ठीक है, क्योंकि अभी से फिंगर को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना है, क्योंकि फिंगर अपने हिसाब से नहीं, फिंगर्स अपने माइंड के हिसाब से चलनी चाहिए, हम जो कमांड दे फिंगर को वो फिंगर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो सेम और सेम चीज रिवर्स में करनी है, फिंगर पोजीशंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सा नी, देखो यहां पे ध के लिए थर्ड फिंगर लानी है, सा नी द प म ग रे सा, सिंपल। तो इसको फ्लुएंटली प्रैक्टिस करना है, देखो ऐसे, सो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि मैं फिंगर पोजीशंस पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, देखो आप अगर फिंगर पोजीशंस रॉन्ग भी प्ले करते हो तो देखो ऐसे आप रॉन्ग, ये तो ओरिजिनल है, मतलब रॉन्ग प्ले करोगे तो कैसा होगा, कुछ भी प्ले करोगे तो इससे क्या होगा कि आप जब आगे बढ़ोगे, राइट, मतलब अभी तो आप कंफर्टेबली प्ले कर लोगे, लेकिन जब आगे मतलब आप नए नए सॉन्ग्स करोगे, ठीक है, आप देखो अब ये आपने प्ले कर लिया ऐसे रॉन्ग, अब इसके आगे कैसे बढ़ोगे, ये ऐसे आगे जाना हो तो क्या करोगे फिर, तो ये दिक्कत मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखी है, जो मतलब अभी ध्यान नहीं देते फिर आगे जाके बहुत तकलीफ होती है, तो इससे अच्छा अभी से क्यों नहीं हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल
ठीक है। तो ये हो गया सारे गामा, अब सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस नहीं करना है, मतलब आपने ये सब तो सीख लिया, अब आप प्रैक्टिस क्या करोगे अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको चार अलंकार बताऊंगा, और मैं बता रहा हूँ अलंकार ये सब किस लिए है, ये सब आपके फिंगर को ओपन करने के लिए। आपने अभी तक पियानो प्ले नहीं किया, आपकी जो फिंगर पोजिशन को, ये जो ब्रॉडनेस आनी चाहिए, स्विफ्टनेस आनी चाहिए, ये आपकी नहीं होगी, आपकी फिंगर पोजिशन ऐसे स्टिफ होगी, ठीक है। तो उसको ओपन अप करने के लिए हम ये अलंकार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अलंकार हमने पहला सीख लिया, दैट इज सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अलंकार, नाउ हम करते हैं सेकंड अलंकार पे। अब देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मतलब मेरे बाजू में यहाँ पे दिख रहा होगा कि सा रे, उसके बाद में ऐसे ब्रैकेट्स है, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को साथ में प्ले करना है, फिर छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर से रे ग के ऊपर ब्रैकेट है, फिर से ब्रेक लेना है, फिर ग म, मतलब ब्रैकेट में जितने उनको साथ में प्ले करना है, ठीक है। तो अब साथ में कैसे प्ले करेंगे, देखो सारे ब्रेक रे ग, यहाँ पे भी फिंगर पोजिशन सेम होगी, जो सारे ग म जितने भी अलंकार करेंगे सार सब में सेम होगी, सारे फिर रे ग, उसके बाद देखो थर्ड लिखा है ग म, उसके बाद है म प, इसके बाद है प द, फिर धनी, देखो धनी, उसके बाद लास्ट नी स, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड अलंकार, और उसको फिर से रिवर्स में करना, दैट इज तो ये हो गए हमारे दो अलंकार, ठीक है। इसको स्मूथली ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये हो गया सेकंड अलंकार, अब थर्ड अलंकार पे मूव करते हैं। अब देखो स्क्रीन पे थर्ड अलंकार दिख रहा है आपको। अब यहां पे सारे ग तीन स्वर है, ठीक है। अब तीन के बाद ब्रैकेट है, फिर से तीन के बाद ब्रैकेट है, मतलब तीन का ग्रुप, सिंपल। तो सा रे ग, उसके बाद सेकेंड ग्रुप रे ग म, देखो क्या किया हमने, एक दो तीन, फिर से मिडिल वाले से स्टार्ट किया, सा रे ग मिडिल वाले से, रे ग म मिडिल वाले से, ग म प फिर से मिडिल वाले से, म प द फिर से मिडिल से, प द नी, और लास्ट फिर से मिडिल से, ऐसे करना है, ये फिंगर यूज करनी है, ठीक है। ये वाली जो थर्ड फिंगर है उसको यूज करना है, क्योंकि इसकी हमें प्रैक्टिस नहीं होती यूज करने की, ठीक है। द नी स, ठीक है। फिर से स्मूथली देखते हैं इसको, और सेम चीज रिवर्स में प्रैक्टिस करनी, दैट इज स नी द, फिर से मिडिल से स्टार्ट करना है, नी द प, यहाँ पे फिर से मिडिल से, द प म, फिर प म ग, उसके बाद म प म ग रे, फिर लास्ट ग रे सा, सिंपल। तो ये स्मूथली फिर से प्रैक्टिस करना है ऐसे, ठीक है। आपको ऐसे स्मूथली प्रैक्टिस करना है। नाउ मूव करते हैं फोर्थ अलंकार पे। अब यहाँ पे भी ग्रुप देखो, आप ग्रुप थोड़ा ज्यादा बड़ा है, सारे गम रे, ठीक है, सारे गम रे फिर से आना है, ठीक है। तो सा रे ग म रे ऐसे, अब फिंगर पोजिशंस के साथ। अब देखो यहाँ पे ऐसे कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, म रे उठा लेना है, उठा लेना यहां से, ऐसे उठा लेना है हाथ, ठीक है। सा रे ग म रे, फिर आगे रे ग म प ग, तो पूरा, फिर ग म प द म, ठीक है, ग म प द म, उसके बाद म प द नी प, उसके लास्ट बार, उसके बाद लास्ट प द नी स, ठीक है। तो पूरा देखेंगे, और सेम चीज रिवर्स में करनी है, सा नी द प नी
फिर नी द प म द, फिर द प म ग प, उसके बाद प म ग रे म, देखा फिर से उठा लेना है प म ग रे म, और लास्ट म ग रे सा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे चारों अलंकार। तो फ्रेंड्स अभी आपको एक चीज में ध्यान रखना है कि हमारा नेक्स्ट लेसन उसको ओपन नहीं करना है जब तक आपका ये खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। अगर आप मैं जैसा कह रहा हूँ मेरे साथ साथ चलोगे, मेरे साथ साथ इंटरेक्ट करते करते चलोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा पियानो प्ले करना आ जाएगा और आप किस जितने भी डाउट है सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे यार। तो मेक श्योर कि मेरे साथ साथ चलिए, नेक्स्ट लेसन को ओपन नहीं करना है कब तक, जब तक ये खत्म नहीं होता, ठीक है। पीडीएफ में मैं सारे लेसन मेंशन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सात शुद्ध स्वर और उसके अलंकार। अब देख लेते हैं कुछ कोमल स्वर और तीव्र स्वर के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सा रे। अब कोमल स्वर में होगा हमारा रे ग ध नी, ये चार कोमल स्वर होंगे। तो ये जो रे है उसके नीचे वाला, ये पीछे आना है, ये उसके जस्ट चिपकी हुई ये वाला सा और रे के बीच वाला, ये हो गया हमारा कोमल रे, ठीक है। अब ग है और रे है, उसके बीच वाला हो गया हमारा कोमल ग, मतलब रे कोमल ग। अब जो कोमल ध होगा, ठीक है, वो क्या होगा प और ध के बीच वाला, प और ध के बीच वाला, ठीक है, ये दोनों के बीच वाला, ये हो गया कोमल ध। और ये ध और नी के बीच वाला कोमल नी, तो ये हो गया रे ग द नी, ठीक है, रे ग द नी, ऐसे रे ग द नी, ये हो गया हमारे कोमल स्वर। अब एक जो बचा है हमारा तीव्र स्वर, वो हो गया म। अब म के आगे वाला, यही नोट तो बचा था हमने, ये भी कवर कर ले, ये भी कवर कर ले, ये दो भी हो गए, ये दो, ये दो, ये सब हो गए, बचा कौन सा, ये वाला। तो ये हो गया हमारा तीव्र म, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोमल स्वर, ये हो गए हमारे तीव्र स्वर और हो गए शुद्ध स्वर। तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से फ्लुएंटली प्ले करना है, और साथ साथ में जो पीडीएफ होगी उसको प्रिंट आउट निकाले, जो करना है जो कीजिए, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसके बाद ही सेकेंड लेसन को ओपन करना है। और ये सबको आप चाहो तो बीट पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मेट्रोनियम पे, हाइएस्ट आपकी जितनी लिमिट है आप उसको पुश कीजिए, आपकी हाइएस्ट लिमिट पे इसको प्रैक्टिस करना है बीट पे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहां पे हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न नोट्स, जो हो गया हमारा सी डी ई एफ जी ए बी, और साथ साथ में कुछ फिंगर एक्सरसाइज भी होंगे उसमें, मतलब उसके बाद आप कोई भी सॉन्ग सीख सकोगे, हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं आप उसको देख सकोगे और आप अच्छे से सॉन्ग्स भी उसमें से सीख सकोगे, ठीक है। लेकिन कब करना है वो ये लेसन के बाद। सो फ्रेंड्स आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ अच्छा जानने का मौका मिला होगा, कुछ नया जानने को मौका मिला होगा, ठीक है। तो मेक श्योर अब यहाँ तक आ गया हो तो मेक श्योर आप पिक्सेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के नेक्स्ट लेसन में, वहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न नोट्स और कुछ फिंगर एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। So hello everyone, myself Jish Kutala from Pixeries. So friends, welcome to the second lesson of free course by Pixeries. यहाँ पे हम बहुत सारी नई चीज़ जानेंगे और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने पहले के सारे lessons को अच्छे से कर लिया होगा और पहले के lessons की लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर अगर आप ये वीडियो ओपन कर रहे हो पहले, तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, वहाँ पे जो lessons है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। तो फ्रेंड्स जो दूसरा लेसन है वो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न नोट्स देखेंगे, मतलब वेस्टर्न नोट्स जो यहाँ पे मैंने स्टिक किए हुए हैं, सी सी शार्प डी, वो सब डिटेल में थोड़ा देखेंगे और साथ साथ में कुछ फिंगर एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, उससे भी आपकी फिंगर्स ओपन होगी। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे तो सॉन्ग सीखने हैं तो मैं ये सब क्यों सीखूं, ठीक है। मैं तो देखो मैं सॉन्ग्स तो वैसे भी चैनल पे सिखाता ही हूँ, ठीक है। अब मैं सीरीज में भी वही चीज़ करूंगा तो फिर मतलब डिफरेंस क्या रह जाएगा, राइट। तो मैं आपको फंडामेंटल्स और अच्छे अच्छे मतलब एकदम बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब सॉन्ग्स तो आपको करने ही है, सॉन्ग्स तो आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेसन में क्या देखा था। फर्स्ट लेसन में हमने देखा था सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, सिटिंग पोजीशन हमारी ये 90 डिग्री होनी चाहिए, ये हाथ स्ट्रेट होने चाहिए ताकि ऐसे मूव हो। और साथ साथ में हमने ऑक्टेव्स के बारे में जाना, हमने और सारे मतलब सारे गमा के फुल फॉर्म्स देखे और सारे गमा की हैंड फिंगर पोजीशंस देखी और साथ में कुछ अलंकार देखे। तो अलंकार को मैं क्विकली एक बार प्ले करके बता देता हूँ। फर्स्ट अलंकार, नाउ सेकंड अलंकार,
नाउ रिवर्स, ठीक है, नाउ थर्ड अलंकार, ठीक है, ये था थर्ड अलंकार। नाउ फोर्थ अलंकार, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मैं स्लोली दिखा देता हूं फिर से, रिवर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था और इसकी प्रैक्टिस करनी थी आपको बीट पे और आपके हाईएस्ट लिमिट पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के लेसन की। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न नोट्स। अब आप सोच रहे हो कि पहले सारे गमा सिखाया, अब वेस्टर्न नोट्स क्यों? क्योंकि देखो सारे गमा वो क्लासिकल है और सी डी ई एफ जी वेस्टर्न नोट्स है, राइट। अब मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स है वो सारे वेस्टर्न नोट्स पे होते हैं क्योंकि ये ज्यादा कंपेटेबल रहता है आपको, ठीक है। अब सारे गमा क्या होता है कि सारे गमा सारे स्केल्स के सारे गमा होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं स्केल्स के बारे में नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, नेक्स्ट लेसन स्केल्स के ऊपर ये, ठीक है। तो देखो ये सपोज ये है, अब दूसरे में भी मतलब दूसरे की से भी सारे गमा प्ले कर सकते हो। देखो ऐसे ये स्केल से भी हो सकता है, फिर यहां से भी हो सकता है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा। लेकिन सी डी ई एफ जी क्या है कि आप कोई भी नोट प्ले करो उसका नाम यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानेंगे और ये थोड़ा ज्यादा कंपेटेबल रहता है आपको सीखने के लिए और ये आपको कॉर्ड्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। आपको सी डी एफ जी आता है तो कॉर्ड्स भी आपको बहुत जल्दी आ जाएंगे इससे, ठीक है। तो आज इसको सीखेंगे वेस्टर्न नोट्स को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा कीबोर्ड का पैड दिख रहा है, ये यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमारा यहाँ से ऑक्टेव स्टार्ट होता है, ये जो हमारा सा है, राइट, उसके जस्ट पीछे वाली की से हमारा ऑक्टेव स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से ही सीखना स्टार्ट करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए तो यहाँ लिखा है, मतलब ए बी सी डी में सबसे पहले ए होता है तो यहाँ पे भी सबसे पहले ए ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे पहले होता है सी। सी इज द बेसिक की ऑफ द कीबोर्ड, राइट, मतलब आपके कीबोर्ड में सी सबसे बेसिक की होती है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्टेव स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली की होती है हमारी सी, ठीक है। अब उसके जस्ट ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है जस्ट ऊपर जाना है, ये इसके जस्ट चिपकी हुई की, ये ब्लैक वाले की, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर वाली, इसको कहेंगे सी शार्प। अब देखो शार्प का सिंबल क्या होता है, देखो आपको दिख रहा होगा सी शार्प, और आपको स्क्रीन पे भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो सी के ऊपर है हैशटैग, ठीक है, ये हैशटैग होता है उसका, उसको हैशटैग नहीं बोल रहे हैं सी हैशटैग, उसको बोल रहे हैं सी शार्प, सी शार्प, क्या कहना है शार्प, ठीक है। तो ये हो गया सी, उसके ऊपर वाला सी शार्प, अब उसके नीचे वाला डी, ठीक है, सी डी ए बी सी डी ऐसे डी डी, अब उसके जस्ट ऊपर वाला, देखो इसके जस्ट ऊपर वाला था सी के ऊपर वाला सी शार्प, तो डी के ऊपर वाला डी शार्प, ठीक है। अब उसके नीचे वाला ई, मतलब सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई ऐसे लाइन में जाना, ठीक है, ई। अब देखो यहाँ पे ई के ऊपर कोई की नहीं है यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो ई का कोई शार्प नहीं होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। कोई चीज आपको बोले कभी भी कि ई शार्प प्ले करके बताओ, तो ई शार्प होता ही नहीं है कीबोर्ड में, ठीक है। देखो ई के ऊपर कोई की नहीं है, इसके जस्ट बाजू वाली की तो ये वाली है, ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है, और जितने भी ब्लैक कीज है उसको ही हम शार्प कहेंगे। तो हो गया ये इसके बाजू वाली की एफ, ठीक है, अब एफ के ऊपर एफ शार्प, उसके नीचे जी, जी के ऊपर जी शार्प, ठीक है। अब आ गया हमारा ए, ठीक है, सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है, ऐसे याद रखना है सी डी ई एफ जी ए बी, ओके। तो ये हो गया ए, उसके ऊपर ए शार्प, अब उसके नीचे वाला बी। अब यहां पे भी सेम चीज है, देखो यहां पे दो के ग्रुप के बीच में गैप है, यहां पे तीन के ग्रुप के बीच में गैप है, यहां पे भी बी के ऊपर भी कोई ब्लैक की नहीं है, तो क्या हो गया, बी का भी कोई शार्प नहीं होता है। तो कौन से किसके किसके शार्प्स नहीं होते, ई शार्प नहीं होता और बी शार्प नहीं होता, क्या ई शार्प नहीं होता और बी शार्प नहीं होता है कीबोर्ड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई की नहीं है, इसके बाजू वाली की, तो फिर से हमारा ये ऑक्टेव हमारा खत्म हो गया। तो ओके, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हो गए बारह सुर, बारह नोट्स हमारे, सेम ही चीज है, बारह सुर क्लासिकल में बारह होते हैं और सी डी एफ में 12 नोट्स ही होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर से हो गए सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी और सी,
अब ये तो हो गया शार्प, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा और आपने दूसरी और एक चीज देखी होगी, देखो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, दैट इज बी फ्लैट ए फ्लैट। अब फ्लैट का सिंबल क्या है कि ए के बाजू में आपको स्मॉल लेटर में बी दिख रहा होगा, ठीक है। अब बी का मतलब क्या है, फ्लैट। अब वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, मतलब कोई भी नोट है कैपिटल उसके बाजू में स्मॉल बी है तो समझ लेना वो फ्लैट है, मतलब कि ए के बाजू में अगर बी है तो वो गया ए फ्लैट, जी के बाजू में बी है तो गया जी फ्लैट, फिर आगे डी के बाजू में बी है तो गया बी डी फ्लैट, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट। अब फ्लैट का फंडा क्या है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया सी, ये हो गया बी, ठीक है। अब जब पीछे हम जाएंगे, देखो ये बी है और इसके जस्ट ऊपर वाले की, इसी को बोलेंगे हम बी फ्लैट, ठीक है। ए से ऊपर जाएंगे तो ए शार्प बोलेंगे, बी से ऊपर जाएंगे तो बी फ्लैट बोलेंगे। क्या, फिर से देखो, ए से ऊपर गए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ए शार्प। अब बी से ऊपर गए पीछे, ठीक है, आगे नहीं जाना, इसके पीछे वाला ऊपर की देखी तो इसको बोलेंगे बी फ्लैट, ठीक है, बी के पीछे वाले की बी फ्लैट। वैसे ही ए हो गया, ए के पीछे वाली की को बोलेंगे ए फ्लैट, ठीक है। वैसे ही जी के ऊपर वाली की को बोलेंगे जी फ्लैट। अब देखो यह चीज क्या होगी, यहां पे एफ है, अब उसके पीछे भी कोई नहीं है, ठीक है, यहां पे उसके बाजू में तो जस्ट ई है, उसके ऊपर कोई की नहीं है तो एफ का भी फ्लैट नहीं होता, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि एक ही की के दो नाम क्यों रखे, ठीक है। अब देखो कि हमको कोई भी एक ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है, हम क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मेरे अगर वो आपने पार्टिकल्स वाले अपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जो लेबल था उसमें सारे लेबल फ्लैट वाले लेबल थे, मैं सिखा रहा हूँ शार्प पे, मतलब दोनों चलता है, ठीक है, लेकिन हमें कोई भी एक ही पे ध्यान देना है। देखो मैं भी सिखाता हूँ, सब शार्प ही मैं बोलता हूँ कि ये हो गया एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ठीक है, लेकिन हमें दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आपको कुछ भी बोल सकता है कि कोई आपको मतलब आप किसी सिंगर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो और वो बोल रहा है कि मैं ए फ्लैट स्केल से गाऊंगा तो आपको ए फ्लैट पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए फ्लैट कौन सा हो गया, ये वाला, क्यों, क्योंकि ए के पीछे वाली की है तो ये हो गया ए फ्लैट, ठीक है, ऐसे हमें सबकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो एफ है, एफ के पीछे वाली ऊपर कोई की नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई फ्लैट नहीं हुआ। वैसे ही ई हो गया, ई के जस्ट ऊपर वाली की, इसको बोलेंगे ई फ्लैट, डी के जस्ट ऊपर वाली की पीछे जाना है, ठीक है, पीछे, ये हो गया डी फ्लैट। अब आ गया फिर से सी, अब सी के भी ऊपर कोई की नहीं है, ठीक है, तो इसको भी कोई फ्लैट नहीं होता, मतलब सी का भी कोई फ्लैट नहीं होता। तो कौन से दो की है जिसका फ्लैट नहीं होता, दैट इज एफ क्योंकि उसके ऊपर की नहीं है, सी उसके ऊपर की नहीं, ये दो के फ्लैट नहीं होते और ई एंड बी के शार्प नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया एकदम वेस्टर्न नोट्स का, एकदम मैंने डिटेल बता दिया, इतना डिटेल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में मैं गया हूँ यार, राइट। तो अभी आपको आई होप ये याद हो गया होगा, ठीक है, तो ये हो गया वेस्टर्न नोट्स। अब इससे आप क्या कर सकते हो कि मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग की प्लेलिस्ट है उसके आपको लिंक यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाइए, आपको जो सॉन्ग आपकी पसंद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी इजी सॉन्ग सीखो या हार्ड सॉन्ग सीखो, आपकी पसंद का जो सॉन्ग हो, राइट, उसमें मैं एफ शार्प से मतलब ये वेस्टर्न नोट्स ही दिखाया, तो उधर जाइए आप, वहाँ पे आपको जो सॉन्ग पसंद आए उसको सीखिए, ठीक है। अब ये सॉन्ग क्यों सीखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी राइट हैंड में स्विफ्टनेस आएगी, आपको राइट जितने सॉन्ग प्ले करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा सॉन्ग प्ले करने का और उतना आप अच्छे से कीबोर्ड प्ले कर पाओगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज ही करना है, एक्सरसाइज करना है लेकिन साथ साथ में सॉन्ग्स भी करने हैं। कब, मतलब ये जब लेसन्स खत्म हो उसके बाद, आप लेसन्स करते करते बोर हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारा माइंड ऑलवेज सॉन्ग ही प्रेफर करता है, मतलब कि म्यूजिक है मतलब सॉन्ग्स, म्यूजिक सुनते ही सबसे पहले सॉन्ग्स ही दिमाग में आते हैं, ठीक है, तो हम सॉन्ग्स सीखने हैं आपको, ठीक है, वो आपको खुद ही सीखने हैं, राइट। उस सब की भी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी और ये जो लेसन है इसमें जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उसकी भी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। यहाँ पे नंबर दिख रहा है 9106723893, यहाँ पे टेक्स्ट कीजिए और साथ में नीचे लिख देना आपको कौन से लेसन की पीडीएफ चाहिए, फाइल चाहिए, मतलब सेकंड लेसन की चाहिए तो सेकंड लेसन पीडीएफ फाइल तो आपको फाइल में मिल जाएगी, ठीक है, फ्री में। अब इतनी सारी चीजें मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको ट्यूटोरियल भी फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको ये सब भी फ्री में दे रहा हूँ, लेसन भी सारे फ्री में दे रहा हूँ, इतने सिस्टमैटिक फ्री में दे रहा हूँ,
तो सिर्फ एक ही चीज करनी है आपको, सिर्फ कि सब्सक्राइब करना है, राइट। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और आगे कुछ ही, मतलब मैं कह सकता हूँ आई गेस फिफ्थ या सिक्स लेसन में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सॉन्ग के नोट्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया वेस्टर्न नोट्स, आपको सॉन्ग सीखना है, आपको जो पसंद है आपको सीखना है, ठीक है। अभी आपको लेफ्ट हैंड को पीछे रख देना है, अभी आपको सिर्फ राइट हैंड यूज करना है, ठीक है। सिर्फ राइट हैंड से जो सॉन्ग पसंद है, मैंने मतलब मोस्ट मतलब फेवरेट सॉन्ग्स ही रखे हैं सब, तो आपको पसंद आएंगे सॉन्ग्स, ठीक है। तो सिर्फ राइट हैंड से सीखना है वेस्टर्न नोट्स पे। अब बात करते हैं कि आपको लेसन में प्रैक्टिस क्या करनी है, ठीक है। अब आपको कुछ एक्सरसाइज में बताता हूँ, वो एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके नोटेशंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको याद रह जाएंगे कि ये सी है, ये डी है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको ये वाले नोटेशंस भी आपको स्टिकर नहीं लगाना है आपके कीबोर्ड पे, और उसका रीजन मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि उससे आप डिपेंड हो जाओगे और मतलब आपको फिर उसके बिना चलेगा नहीं, राइट। मतलब नोट्स अगर कोई कीबोर्ड में नहीं होंगे तो आप प्ले नहीं कर पाओगे, राइट, और वो चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है। आपके कीबोर्ड को क्लीन रखना है, कुछ स्टिकर्स नहीं लगाना है, अभी याद कर लो नोट्स, इसीलिए मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स याद हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और पीडीएफ फाइल में भी है, मेंशन किया हुआ है एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, ये पांच फिंगर है हमारी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ये हो गया नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, ठीक है। ये जो छोटी वाली फिंगर है हमारी लिटिल फिंगर, उसको बोलेंगे फिफ्थ फिंगर, मतलब ये हो गया हमारी लास्ट फिंगर, ठीक। अब यहाँ पे आपने हाथ रख दिया, सी से स्टार्ट करना है, ठीक है, मिडिल ऑक्टेव पे सी से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने हाथ रख दिया ऐसे, अब क्या करना है, सबसे पहले थंब से सी प्रेस करना है, फिर फर्स्ट फिंगर मतलब हमारी सेकेंड फिंगर, ठीक है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। सेकेंड फिंगर से डी प्रेस करना है, तो ये कैसे हो गया, सी डी। फिर थर्ड फिंगर से ई, फोर्थ फिंगर से एफ, फिफ्थ फिंगर से जी, सारी व्हाइट कीज ही प्ले करनी है, ब्लैक कीज अभी नहीं करनी है। तो हो गया, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव। अब पीछे आना है, फिर यहां क्या करना है, एफ प्ले करना है, किससे, ये वाली फोर्थ फिंगर से एफ, फिर थर्ड फिंगर से ई, और फर्स्ट मतलब सेकेंड फिंगर से हमारे डी, ठीक है। तो कैसे होगा पूरा प्ले, आपको याद रखना है कि आपको एट नोट ही प्ले करना है, ठीक है, एक टाइम पे एट एट, ठीक है, एट नोट्स ही प्ले करना है, ठीक है, वो याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी नाइन नोट्स प्ले कर देते हैं। देखो ऐसे प्ले करेंगे, राइट, ऐसे करेंगे तो नाइन नोट्स हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि एट नोट्स ही होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है एट नोट्स नहीं हो रहा, तो वीडियो को फिर से ओपन करना, फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो मैं स्लोली फिर से दिखा देता हूँ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब इसको प्रैक्टिस करना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अब यही सेम चीज डी पे उंगली रख के प्रैक्टिस करना है, ऐसे डी ई एफ जी ए जी एफ ई, जो चीज हमने सी से की वही चीज डी से करनी है फिर, ठीक है। मतलब कैसे होगा, देखो ऐसे, ठीक है, क्या करना है, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब यहां पे खत्म हो, ये हमारे सेकंड फिंगर पे खत्म हुआ, अब सेकंड फिंगर को उठाना है, यहां पे फिर से थंब रखना है और फिर यहां से स्टार्ट करना है, देखो फिर, ठीक है, यहां पे उठा के थंब रखना है, फिर वैसे आगे बढ़ना है और सेम चीज ई से फॉलो करनी है, सब में एट नोट्स ही होंगे, एक ग्रुप में एट नोट्स, दूसरे ग्रुप में एट नोट्स, तीसरे ग्रुप में एट नोट्स, ऐसे सेम चीज एफ से करनी है, अब जी से भी, आगे ए से, बी से, और लास्ट फिर से सी से करना है, ठीक है। कैसे किया हमने, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गए, ठीक है, मतलब पूरा एक ऑक्टेव हमने कवर किया। अब देखो मैं थोड़ा स्मूथली प्रैक्टिस करके बताता हूं इसको, आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करना है,
और मेक श्योर कि यहाँ पे आपको ये दो फिंगर्स भी यूज करनी है। देखो ये वाली जो दो फिंगर्स होती है वो हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिंगर की हमें प्रैक्टिस नहीं होती और आप प्ले करने की ट्राई भी नहीं करते, ठीक है। हमारा माइंड सिर्फ ये तीन फिंगर ही यूज करता है, ठीक है, हमारा ब्रेन यही तीन, क्योंकि ये पावरफुल फिंगर्स होती है, ये फिंगर्स बहुत कम यूज होती है। देखो आप ऐसे करोगे तो आपकी ज्यादा मतलब पावर भी नहीं होगा ये फिंगर्स में, ठीक है। तो हमें ये फिंगर्स को भी यूज करना है क्योंकि कीबोर्ड पे सारी फिंगर्स को इक्वली यूज करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ मूव करते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। आपको मैं तीन एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है, तीनों एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना है। मेट्रोनियम में लास्ट में मेट्रोनियम भी प्ले करके बताऊंगा कैसे प्ले करना है, ठीक है, लास्ट तक बने रहना उसके लिए, और उसके साथ ही प्रैक्टिस करना है, उसके बिना प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है। तो नाउ मूव करते सेकंड एक्सरसाइज पे। अब देखो सेकंड एक्सरसाइज में भी सेम ही होगी, ये चार फिंगर, ये चार मतलब कीज यूज करेंगे और फिंगर 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नोट्स डिस्प्ले हो रहा है तो नोट्स के हिसाब से प्ले करना है। C E D F E D C D, मतलब ऐसे होगा। अब देखो फिंगर के साथ कैसे करेंगे, देखो फिर से मैं दिखाता हूं, मतलब ध्यान से देखना, फिंगर्स को देखना यहां पे मेन। ठीक है, यहाँ पे भी नोटिस किया होगा 8 ही नोट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेम चीज डी से करनी है, ठीक है, डी एफ ई जी एफ ई डी ई, ठीक है। अब सेम चीज ई से करनी है और यहां पे भी क्या करना है, देखो ई पे मैंने लास्ट फिंगर ये यूज की, हमारी इंडेक्स फिंगर। अब उसके आगे से स्टार्ट करने के लिए हमें ये उठानी है और यहां पे थंब रखना है यहां से, ठीक है। फिर सेम चीज आगे करनी है, सेम चीज आगे करनी है। देखो ध्यान से, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है लेकिन ध्यान देना है यहां पे, देखो ठीक है, यहां पे सिर्फ जी तक ही जाना है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 ही बार आगे बढ़ना है। तो लास्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो साथ में पूरा करेंगे, स्लोली जाएंगे फिंगर पोजिशंस, ये वाले ये यूज करने, ठीक है, इतनी फिंगर यूज करनी है, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये चार फिंगर से यूज करनी है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। नाउ मूव करते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज पे। अब देखो थर्ड एक्सरसाइज कैसे करनी है, यहाँ पे हमने पूरी पांच फिंगर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। यहाँ पे सिर्फ चार ही बार आगे बढ़ना है, मतलब पहले में पूरा ऑक्टेव किया, दूसरे में 5 किया, तीसरे में 4 ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा कम ही करेंगे हम। देखो पहले हम पूरी नोट्स देख लेते हैं इसके, सी G F E D C D E, तो कैसे होगा फिंगर के साथ, देखो अभी 5 फिंगर है, 5 बार ऐसे रख देनी, एक एक वाइट की पे एक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिंगर वाइज देखे अगर तो फिंगर के काउंटिंग दिखाओ, 1 5 4 3 2 1 2 3, ठीक है, ऐसे करना है। फिंगर्स को ध्यान देना है यहाँ पे, फिंगर्स भी ये दो फिंगर्स यहाँ पे फिर से यूज करनी है, ठीक है, ऐसा साउंड करना चाहिए। फिर आगे बढ़ना है, सेम चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे अब कहाँ पे खत्म किया, फर्स्ट पार्ट को कहाँ पे खत्म किया, देखो यहाँ पे खत्म किया ये वाली मिडिल फिंगर से। अब यहाँ पे थंब रख देना है फिर से डी पे, फिर से यहाँ पे ई पे थंब रख देना है, फिर एफ से फिर से सेम ही चीज करनी है। ये हो गए तीन एक्सरसाइज, देखो फिर से स्लोली दिखाता हूं मैं, फिर आगे और एक बार और लास्ट बार।
ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसको मेट्रोनियम पे प्ले क्या, प्ले कैसे करना होता है। अब मेट्रोनियम होता क्या है कि देखो, एक आपको एक बीट प्रोवाइड करता है, मतलब मेट्रोनियम इज अ बीट, ठीक है, कि आपको एक यूनिफॉर्मली स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में आपको एक बीट प्रोवाइड करता है, जैसे टक 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 ऐसे, मतलब ऐसा साउंड आएगा, ऐसा ऐसा नहीं करना है आपको। आपको काउंटिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आपको बीट देता है। अब देखो, आपके कीबोर्ड में अगर मेट्रोनियम का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसका भी ऑप्शन को आपको रास्ता दिखाता हूं। आप पिक्चर्स पे आओ तो आपको सब चीज जानने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो, मेरे कीबोर्ड में मेट्रोनियम का ऑप्शन है, हो सकता है कि आपके कीबोर्ड में मेट्रोनियम का ऑप्शन नहीं हो, तो टेंशन नहीं लेना, ये आपके कीबोर्ड सीखने के रास्ते में नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि मेट्रोनियम बीट्स करके ऐप डाउनलोड करना है। अब वो ऐप, यही वाला ऐप है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके कीबोर्ड में नहीं है तो, ठीक है। तो अब देखो, कुछ आपका ऐसा यूआई आएगा, आपको पहले जो पूछे आई एग्री कर देना है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, इसको डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा यूआई आएगा। अब देखो, यहाँ पे आपको प्ले बटन दिख रहा होगा, ठीक है। अब उसको प्ले करोगे, देखो ये 4 1 2 3 4, ठीक है, आपको एक साउंड टक 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 ऐसा, देखो एक साउंड डिफरेंट है, बाकी तीन साउंड डिफरेंट है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ये एक साउंड डिफरेंट है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आपका बीट का स्पीड है, ठीक है। देखो, आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, आपको यहाँ पे इंक्रीज करते करते 80 कर देना, ठीक है, 80 आपका स्पीड है, मतलब 80 बीट्स पर मिनट। अब देखो, 2 3 4, देखो 1 2 3 4। अब इसके साथ प्रैक्टिस कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बीट पे एक नोट प्ले करना है। देखो, एक टक साउंड आ रहा है, उसके ऊपर एक ही नोट प्ले करना है, 1 2 3 4। अब प्ले कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना, अब देखो ये आपने, मैंने क्या बताया आपको, 8 नोट्स है आपके एक ग्रुप में, ठीक है, तो आपकी दो बार खत्म होगा बीट। देखो, C 2 3 4, C D E F G F E D, ठीक है, दो बीट पे खत्म हो गया आपका। तो ये हो गया आपका मेट्रोनियम, आपको सुन के प्रैक्टिस करना है, और हाईएस्ट का कहां तक लेके जाना, देखो मैं पहले एक बार प्ले करके बता देता हूँ, 80 पे 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अब ऐसे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है आपके हाईएस्ट लिमिट तक। ये हो गया आपको, देखो कहां तक ऑप्शन मिलता है आपको, 300 तक ऑप्शन मिलता है, आपको 300 तक जाना है, लेकिन इतना जाना नहीं जरूरत, जाने की जरूरत नहीं आपको, कहां तक जाना है। आप अगर 150 तक भी कर लेते हो तो अभी बहुत बड़ी बात है, देखो 150 तक, अब इससे डरना नहीं है क्योंकि एक बीट पे एक ही नोट है, तो अभी आपको स्लो ही लगेगा ये, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज। वैसे ही सारी एक्सरसाइज को करें, सेकंड एक्सरसाइज दिखा देता हूं मैं फटाफट। सेकंड थर्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं, 1 2 3 4, एक बीट पे एक नोट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है ये मतलब सारी एक्सरसाइज को। ठीक है, अब क्या करना है, 80 से स्टार्ट करना है, 80 मिनिमम रखना है और साथ साथ 150 तक जाना है आपको। लेकिन इतना नहीं है कि सिर्फ 150 तक ही जाना है, आप जितना जा सकते हो जाओ, आपके लिए बेनिफिट करेगा, आपको ही बेनिफिट करेगा ये चीज़। ठीक है, 150 तो मैंने बताया कि आप उतना तो जा ही सकते हो, उसके आगे आप जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं जा सकते हो तब भी टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करना है। कब तक, इसको थर्ड लेसन आ गया, थर्ड लेसन है लेकिन उसके पहले इसको उसको ओपन नहीं करना है, पहले ये खत्म करना है। ठीक है, थर्ड लेसन कब तक ओपन नहीं करना, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। 150 तो मैंने लिमिट सेट की है लेकिन आप उसके आगे भी जा सकते हो। ठीक है, तो थर्ड लेसन को ओपन नहीं करना है, वहां पे हम देखेंगे मेजर स्केल और उसका फॉर्मूला, मेजर स्केल कैसे फॉर्म होता है और उसके क्या फायदे है, वो सारी चीज हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, 80 से स्टार्ट करना है, 150 तक 3 एक्सरसाइज जो सीखी है वो, और साथ साथ में आपको अगर सॉन्ग सीखने हैं तो हमारे चैनल पे सॉन्ग है, फिर से यहाँ पे देखो आई बटन पे फिर से लिंक आ गई होगी, आप देख सकते हो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। So hello everyone, myself Jish Kudala from PicSeries and welcome to the third lesson of free course by PicSeries। यहाँ पे हम देखेंगे major scales, उसका formula और उसके फायदे क्या होते हैं। देखो आज से आपकी real training start होती है क्योंकि major scale are the foundation। Like मतलब वो ऐसी चीज़ है कि like somebody wants to run without learning how to walk, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये आपके एकदम foundation वाला lesson है और आज से आपकी real training start होती है। So video को start करते हैं, so let's drift into music। फ्रेंड्स एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने पिछले लेसन में क्या किया। पिछले लेसन में हमने 3 एक्सरसाइज देखी और ये जो हमने नोट्स है वो देखे। अब मैं नोट्स को फिर से डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक बार एक्सरसाइज आपको स्लोली फटाफट प्ले करके बता देता हूं। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज हमने देखी थी और साथ साथ में मैंने इसको मेट्रोनियम पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। तो आई होप कि आपने फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन अच्छे से देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगी, आप चेक कीजिए उसको और उसके बाद ही इसको सीखिए, क्योंकि वो लेसन, दो लेसन है वो आपकी फिंगर को ओपन अप करने के लिए। ठीक है, तो एक बार आपकी फिंगर्स ओपन अप हो गए फिर आप स्केल्स अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते, फटाफट पहले स्केल्स का फॉर्मूला देख लेते कि स्केल्स मतलब, पहले मैं बता देता हूँ स्केल्स होता क्या, राइट। ठीक है, अब देखो आपने सुना होगा सी मेजर स्केल, सी माइनर स्केल, एफ मेजर स्केल, एफ माइनर स्केल, और जितने भी हमारे 12 कीज हैं सबके मेजर माइनर स्केल्स होते हैं, मतलब 12 × 2 = 24 स्केल्स हमारे होते हैं मेजर माइनर मिला के, और कोई नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले जब मैं जब सीख रहा था तो मुझे लगता था कि 4 टाइप के मतलब स्केल्स होते हैं, एक मेजर, माइनर, शार्प, फ्लैट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सी, सी मेजर, सी शार्प मेजर, मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, मतलब मेजर स्केल के अंदर ही दोनों को काउंट करने के, मतलब दो टाइप के स्केल होते हैं मेजर माइनर। आज हम करेंगे मेजर स्केल। अब देखो मैं पहले मैं प्ले करके बताता हूँ कि स्केल्स होते क्या है। देखो, ठीक है, ये जो सेट ऑफ नोट्स मैंने प्ले किए, जो मैंने 7 नोट प्ले किए वो हो गया हमारा एक स्केल, और वो कौन से नोट्स थे, सी स्केल के नोट्स थे, मतलब ये नोट्स थे, तो वो नोट्स होंगे सी स्केल के नोट्स। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नोट्स फाइंड करते हैं हर एक स्केल के। अब देखो मैं थोड़ा और अलग से नोट्स प्ले करता हूँ, देखो, ठीक है, यहाँ पे भी सारे का मतलब साउंड आया। तो ये जो सेट ऑफ नोट्स है वो हो गए एफ शार्प के, एफ शार्प के नोट्स, मतलब एफ शार्प का स्केल हो गया ये, ऐसे ही स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल्स सीखेंगे, आपको याद नहीं रखना, आपको लगेगा कि कितने सारे नोट्स है कैसे याद करूंगा मैं, मतलब हर एक की से सारे का प्ले करना है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है और वही फॉर्मूला आप अगर आप याद कर लोगे तो आप सारे स्केल को तुरंत प्ले कर पाओगे। ठीक है, तो अब स्केल का फॉर्मूला देखने से पहले मैं कुछ आपको टर्म्स सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहला टर्म है सेमी टोन, अब सेमी टोन को हम हाफ स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा लेकिन सीख लेते हैं फिर से, व्हाट इज सेमी टोन। ठीक है, अब आप कोई भी एक की पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डी, ठीक है, अब ये की है, अब इसका सेमी टोन वो क्या होगा, सेमी टोन इज जस्ट नेक्स्ट की, मतलब उसके तुरंत बाद वाले की। अब देखो ये की है,
अब इसके जस्ट नेक्स्ट की हम डी शार्प बोलेंगे, राइट? हमने देखा था डी डी शार्प, तो दिस इज सेमीटोन, मतलब डी का सेमीटोन हुआ डी शार्प, ठीक है? देखो फिर से शांति से समझते, और इसके जस्ट चिपकी हुई की ऊपर वाली है, ये तो उसके बाजू वाले की है, राइट? इसके जस्ट नेक्स्ट हम यही गिनेंगे, उसके बाद ही आएगी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो डी के बाद डी शार्प, तो ये हो गया सेमीटोन। अब बात करते हैं टोन की। अब टोन, यहाँ कीबोर्ड का भी टोन होता है, वो डिफरेंट है, वो साउंड होता है, राइट? और ये होता है हमारा टोन, दूसरा वाला टोन होता है, ठीक है? अब टोन इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट की, मतलब बाद के बाद वाले की। अब आपने सेमीटोन देखा तो उसके नेक्स्ट की, तो ये हुई। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट की, तो ये हो गया हमारा टोन, मतलब डी का टोन इज ई, ठीक है? और एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ई है, राइट? ई। अब ई की जस्ट नेक्स्ट की कौन सी होगी? एफ, क्योंकि उसके बीच में कोई ऊपर है नहीं, तो ई का सेमीटोन हुआ एफ, राइट? अब वैसे हम एफ को देखते हैं, तो एफ का जो टोन होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट की, तो हो गया जी, ठीक है? अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो ये ए शार्प है, राइट? अब इसका टोन फाइंड करना है, ठीक है? तो टोन क्या होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट की फाइंड करनी है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इसका टोन क्या होगा, ठीक है? और ये सब में भी डरने की जरूरत नहीं, ये सब भी मैंने वर्कशीट में मेंशन किया हुआ है, और उसकी आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट करना है, जो नंबर दिख रहा है 9106723893, ये नंबर पे सिर्फ टेक्स्ट करना है, और नीचे लिख देना है कि आपको कौन सा लेसन की PDF फाइल चाहिए, ठीक है? तो आपको सारी चीज फ्री में मिल जाएगी, ठीक है? और मेक श्योर कि उसके लिए आपको उसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्या तो ताकि क्या होगा कि नेक्स्ट लेसन जो आएंगे, और नेक्स्ट लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, नोट्स फाइंड करना है, कॉर्ड्स फाइंड करना है, बहुत सारी चीज़ आने वाली है, ठीक है? तो उसके लिए आपको मतलब अपडेट मिलना चाहिए उसका, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है? तो ये हमने टोन और सेमीटोन देख लिया। अब बात करते हैं स्केल के फॉर्मूला की। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया होगा स्केल का फॉर्मूला। अब आपको दिख रहा होगा एक डैश सबसे स्टार्टिंग में, तो वो हो गया हमारा रूट नोट। अब रूट नोट क्या होता है कि आप सपोज करो कि आप कोई एक स्केल फाइंड कर रहे हो, सपोज कीजिए आपने आप ई स्केल फाइंड कर रहे हो, ई मेजर स्केल, तो ई मेजर स्केल फाइंड कर रहे हो तो उसका रूट नोट होगा ई, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। सी स्केल फाइंड कर रहे हो तो उसका रूट नोट होगा सी, वैसे ही। अब रूट नोट के आगे देखो टी लिखा हुआ है, राइट? अब वो टी क्या हो गया हमारा टोन, मतलब सी का टोन क्या होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट डी, ठीक है? ये हो गया रूट नोट। अब सी का टोन हो गया डी, अब उसके आगे और एक बार टी लिखा हुआ है, तो इसका भी टोन ई, ठीक है? मतलब सी रूट नोट, टोन टोन, अब लिखा होगा एस टी, मतलब सेमीटोन। तो इसका सेमीटोन क्या होगा? देखो इसके जस्ट नेक्स्ट की ऊपर कोई नहीं है, तो जस्ट नेक्स्ट की ये हुई, ठीक है? तो हमारा इसका सेमीटोन हो गया एफ, तो रूट नोट, टोन टोन, सेमीटोन। अब फिर से टोन होंगे दो बार, तीन बार होंगे। अब देखो अब फिर से तीन बार टी लिखा हुआ है, तो एफ का टोन जी, उसके आगे जाएंगे और एक बार टोन लिखा हुआ है, जी का टोन ए, उसके आगे और एक बार टी लिखा है, इसका टोन बी, और लास्ट लिखा होगा एस टी। तो अब बी का सेमीटोन क्या हुआ? देखो यहाँ पे भी कोई ऊपर की नहीं है, तो इसके जस्ट बाजू वाले की, देखो इसके बीच में कुछ नहीं है, तो जस्ट बाजू वाले की हो गई हमारी सी, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, रूट नोट, टोन टोन, सेमीटोन, टोन टोन टोन, सेमीटोन, फिर से रूट नोट, फिर दो बार टोन, एक बार सेमीटोन, फिर तीन बार टोन, एक बार सेमीटोन। तो ये हो गया हमारा मेजर स्केल का फॉर्मूला। अब आप इसको कोई भी किसी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब आपने सी सीख लिया, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो कौन सा ले, चलो डी शार्प ले लेते हैं, एक नीचे वाला आ गया, एक शार्प कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो डी शार्प, ठीक है? अब ये हो गया रूट नोट, अब इसका टोन एक दो, ठीक है? ये हो गया हमारा टोन, तो डी शार्प एफ, ये हो गया हमारा टोन। अब इसके बाद और एक बार टोन है, क्योंकि रूट नोट, फिर दो बार टोन। अब इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट की हो गई जी, तो वन टू थ्री, तीन नोट फाइंड कर लिए। अब आता है सेमीटोन, तो इसके जस्ट से इसका सेमीटोन क्या होगा, हमने देखा था आगे भी, इसके जस्ट ऊपर वाले की, इन दोनों के बीच वाले की, मतलब ये वाली, तो ये हो गया सेमीटोन। तो हो गया चार नोट, वन टू थ्री फोर, ठीक है? अब तीन बार टोन है, तो इसका टोन होगा ए शार्प, ए शार्प का टोन होगा सी, सी शार्प का टोन सी, सॉरी सी होगा, ए शार्प का टोन सी, सी का टोन डी, और फिर लास्ट सेमीटोन। हो गया हमारे, ये हो गया हमारा स्केल।
सिंपल, आप अभी कोई भी की से फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है लेसन में, आपको सारे मेजर स्केल्स फाइंड करने हैं। कैसे? देखो सारी कीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको टोटल 12 मेजर स्केल्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपको अपनी कॉपी में वैसा ही लिखना है, वैसे ही सिस्टमेटिकली नोट डाउन करना है। लेकिन आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी तो आप उसमें से भी देख सकते हो, लेकिन पीडीएफ फाइल मैं सजेस्ट करूंगा पीडीएफ फाइल को ओपन नहीं करने, पहले अपने आप लिखिए इसको, फिर पीडीएफ फाइल से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? तो क्या होगा, आपका ये फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आपने मेजर स्केल सीख लिया। और साथ साथ में देखो फिंगर पोजिशंस मैं बता देता हूं कि देखो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 5 फिंगर, ठीक है? अब मैं पीडीएफ फाइल में फिंगर पोजीशंस भी मेंशन कर दूंगा राइट हैंड की, क्योंकि सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है? तो वो मैं सिखाऊंगा नहीं, वो आपको खुद ही करना है। आपको फिंगर पोजीशंस देख लेनी है कि क्या क्या नंबर दिए हुए, नंबर इज 1 2 3 4 5, ये सारी चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं एक बार आपको प्ले करके बता देता हूँ। सी स्केल, फिर हमने डी शार्प सीखा, ठीक है? आपको 12 के 12 स्केल फाइंड करने हैं और साथ साथ में इसको प्रैक्टिस करना है मेट्रोनियम पे, ठीक है? अब देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक स्केल प्ले किया फिर आराम से ब्रेक लिया फिर सोचते सोचते फिर जी पे आए फिर सोचते सोचते फिर डी पे आए, ऐसा नहीं करना है। आपको उसकी शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं शिफ्टिंग दिखाता हूं आपको कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, तो आपने देखा मैंने कितना स्मूथली प्ले किया इसको, अब मेट्रोनियम आएगा तो आपका और स्मूथ हो जाएगा ये, ठीक है? तो ऐसे आपको शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है? तो आपको सारे स्केल फाइंड करने हैं, सारे स्केल को प्रैक्टिस करना है शिफ्टिंग के साथ, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको मेट्रोनियम पे कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो देखो अब यही वाला ऐप है जो हमने पिछले सेशन में देखा था, पिछले सेशन में मेट्रोनियम बीट, इसके लिंक भी आपको ये बार भी आई बटन नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आपको क्या करना है, 100 टेम्पो रखना है और स्टार्ट कर देना है। और मैंने पूरे पिछले सेशन में समझाया था इसको कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे, टेम्पो ये सब आप देख सकते हो, पहले दूसरा वाला सेशन भी आपका यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपने स्टार्ट किया, टेम्पो 100 रखना है, ठीक है? 2 3 4 1 2 3 4, एक बीट पे एक नोट। अब चालू करते हैं हम, ठीक है? तो ये था आपको इंक्रीज करना है, आप जहां तक कर सकते हो, मैंने कोई लिमिट सेट नहीं की, आप जहां तक जितना आगे जा सकते हो आप चेक कीजिए आपके लिमिट कितने, जितना आगे जा सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। देखो हम 170 पे करके देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 1 2 3 go। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेट्रोनियम का पार्ट। और साथ में इसको अच्छे से देखो मैंने शिफ्टिंग कितनी प्रॉपर की, एक खत्म हो फिर तुरंत दूसरा स्टार्ट कर लिया। तो आपको ये चीज करनी है, आपको इसको अच्छे से फाइंड करना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये स्केल सीखने क्यों है, मतलब इतना आपको बोरिंग लेसन ये सब करना क्यों है। अब सबसे पहले देखो आप एक बार सारे स्केल्स कर लोगे, मेजर माइनर दोनों कर लोगे, इसके बाद माइनर वाला होगा। अब आप मेजर और माइनर दोनों कर लोगे तो इससे आप सॉन्ग के नोट्स फाइंड कर पाओगे, ठीक है? और वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। इससे आप सॉन्ग के कॉर्ड्स भी निकाल पाओगे, मतलब सबका फाउंडेशन, इसीलिए मैंने बताया ना कि स्केल्स ऐसी चीज है कि वो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पियानिस्ट को, और पियानिस्ट को पता होना ही चाहिए। इट्स लाइक समबडी वॉन्ट्स टू रन विदाउट लर्निंग हाउ टू वॉक, आपको फाइंड करना, आपको कॉर्ड्स फाइंड करना कैसे आएगा अगर आपने स्केल्स ही नहीं सीखे, आपको नोट्स फाइंड करना भी कैसे आएगा, आपको स्केल्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको स्केल सिखा रहा हूँ ताकि आपको, ताकि आप इससे नोट्स फाइंड कर सको, ताकि कॉर्ड्स फाइंड कर सको। और साथ साथ में दूसरी चीज़ कि ये आपको आपने सुना होगा सिंगर्स को बोलते हुए कि मैं सी शार्प से गाऊंगा, मैं जी शार्प से गाऊंगा, मैं जी से गाऊंगा। अब देखो फर्क क्या होता है, देखो मैं फॉर एक एग्जांपल एक सॉन्ग लेता हूं, ठीक है? अब मैं सॉन्ग प्ले करूंगा एफ शार्प स्केल से, एफ शार्प स्केल के नोट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये सेम ही मैंने वही फॉर्मूला से फाइंड किया, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही चीज है। अब देखो मैं प्ले कर रहा हूं, देखो राइट right? अब देखो मैंने ये लाइन प्ले की, मैंने कहां से प्ले किया, एफ शार्प से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नोट्स हैं।
और पीछे मैंने दो आए और वो दो नोट भी एफ शार्प स्केल के ही, क्योंकि देखो आगे जाएंगे, देखो डी शार्प एफ आया, यहाँ पे भी डी शार्प, मैंने क्या बताया कि ये वाला डी शार्प सेम ही होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी आई होती है। तो मैंने कितने नोट्स यूज किए, एक दो तीन और दो पीछे वाले, ठीक है ये दो वाले। अब यही चीज मैं दूसरे स्केल से प्ले करूंगा, अब मैं डी से प्ले करता हूँ, ठीक है। अब डी के नोट्स क्या है मैंने आपको बताया, ठीक है, तो एक दो तीन पहले वाले, इसके भी एक दो तीन किए थे, इसके भी एक दो तीन और पीछे के दो नोट्स, तो ये हो गए पीछे के दो नोट्स डी के, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच। अब देखो, ठीक है, देखा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गया। अब सिंगर के साथ कोऑर्डिनेट करने में क्या होगा कि देखो अब मैं एफ शार्प से गा रहा हूं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह पर, ठीक है। अब मेरा ये वाला साउंड और दूसरा वाला साउंड, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह पर, वैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो और हाई हो जाएगा, अब कोई इतना हाई कर नहीं पाता है, राइट। अब देखो मैं मेरा ये एग्जांपल लेते हैं, आजकल तेरे, ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल होता है सिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे ए स्केल नहीं जमेगा, मुझे गाना है डी स्केल से, क्योंकि वो मेरे गले के हिसाब से कंफर्टेबल है, और सिंगिंग करते टाइम हमेशा डोमिनेटिंग सिंगर ही होता है, हमें उनके हिसाब से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा मतलब सुर ऐसी चीज है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो तो हमें हम जितना ही कर पाएंगे उतना ही जा पाएंगे ना, लेकिन एज ए पियानिस्ट हमें वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि हमें उनके स्केल के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। अब आपको स्केल ए स्केल से आता है, लेकिन वो गाएगा डी स्केल से, तो आप कैसे कर पाओगे। लेकिन अगर आपको डी का स्केल पता होगा, ये वाला स्केल, राइट, तो आप वो ही नोट्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ से प्ले करना आता है तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको वो चीज, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज भी आ जाएगी कि कैसे आपको प्ले करना है डी स्केल पे, अगर आपको नहीं आता तो भी। देखा मैंने कैसे तुरंत प्ले कर लिया, वैसे मैं यही चीज दूसरे, आप बोलो दूसरे में भी प्ले कर सकता हूँ। देखो बी पे भी फास्ट प्ले करेंगे हम, ठीक है। अब मुझे स्केल पता है बी का, तो मैंने तुरंत प्ले कर लिया। तो ऐसे आपको सिंगर के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी स्केल्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब देखो ये चीज का भी एक जुगाड़ है, मतलब आपको प्ले करना नहीं आता ए स्केल से, आपको डी से प्ले करना आता है, या मतलब कोई भी स्केल पकड़ लो, आपको ये स्केल से प्ले करना आता है लेकिन सिंगर को वो स्केल से गाना नहीं आता, तो उसका भी जुगाड़ है। वो ट्रांसपोज हम मतलब वही फीचर होता है कीबोर्ड में ट्रांसपोज का, लेकिन वो अभी नहीं करना, वो चोरी हमें नहीं करनी है अभी। सबसे पहले फाउंडेशन में आपको सारे स्किल्स प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि आप पिक्सेलिस पे आओ तो आपको पियानिस्ट मतलब आपको सारी चीज जानने को मिलेगी, आपके जो भी दिमाग में जो भी डाउट है मैं सारे क्लियर करूंगा, ठीक है। ट्रांसपोज भी सीखेंगे लेकिन आगे, अभी के लिए इतना करना है आपको। और साथ साथ में मैं आपको और एक फायदा बताता हूँ स्केल से, आपको कंपोजिशन, जब आप अपने सॉन्ग का कंपोजिशन करते हो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। अब देखो मैं आपके सामने कुछ कंपोज करके बता, कुछ मेलोडी मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं सपोज करते हैं कोई एक स्केल ले लेते हैं हम, चलो डी स्केल। अब मैं, मुझे डी स्केल के नोट्स पता है, ठीक है, ठीक है। अब डी स्केल के मुझे नोट्स पता है, मतलब इतने नोट्स यूज करके मुझे कुछ अच्छा प्ले करना, अब इसमें आप फ्री स्टाइल कुछ भी प्ले कर सकते हो, कोई भी नोट को एक के बाद एक प्ले कर लो, लेकिन क्या करना है, रिदम में रहना है और साथ साथ में यही नोट्स यूज करने हैं, ठीक है, तो आपकी एक अच्छी मेलोडी बन जाएगी। देखो मैं प्ले करके बताता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने नोट्स कॉर्ड्स यूज किए, कॉर्ड्स हम सीखेंगे उसको, अब मैंने नोट्स क्या क्या प्ले किए, ठीक है, उसी स्केल के, ठीक है, मतलब ऐसे आप कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी प्ले कर सकते हो, और उसमें से लिरिक्स ऐड करें तो आपका सॉन्ग भी कंपोज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आपको मेजर स्केल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं मेट्रोनियम पे, और बहुत सारे साथ में चीज करनी है, मतलब शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, साथ में मेट्रोनियम पे करना है, सारे स्केल्स को नोट डाउन करना है, और ये सारी चीज आपको एक ही फाइल में मिल जाएगी सारी चीज, उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट करना है। और आपको पसंद आ रहा है यार वीडियो, मतलब सीरीज आपको मजा आ रहा है सीरीज में, तो मेक श्योर कि आप पिक सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।
So hello everyone, myself Jish Kadola from PicSeries and welcome to the fourth lesson of free course by PicSeries. यहाँ पे हम discuss करेंगे minor skills के बारे में, minor skill का formula देखेंगे और in case अगर आपने major skill नहीं देखे और साथ साथ में finger exercise नहीं की, अलंकार basics नहीं किया तो यहाँ पे I button पे link मिल जाएगी ऊपर, make sure उसे check करें और उसके बाद ये lesson को देखें। मेरी advice है इसको stop कर दीजिए अगर आपने नहीं open किया हो तो, वो वाला उसको पहले देखिए, ठीक है। Benefits उसके है वो आपको उस लेसन में पता चलेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ड्रिफ्ट इन द म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मैंने जैसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हम जैसे हर वीडियोस में करते हैं कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले सेशन में क्या किया था। हमने पिछले सेशन में देखा कि मेजर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रूट नोट, टोन, टोन, सेमी टोन, फिर टोन, टोन, टोन और सेमी टोन। सो दिस वॉज अवर स्केल, सी स्केल। वैसे ही हमने दूसरे मतलब और बहुत सारे स्केल्स देखे थे और साथ साथ ना इसको मेट्रोनियम में प्रैक्टिस किया था, ठीक है। हमने कहाँ तक किया था, हमने 100 से स्टार्ट किया था, 170 पे किया था, ठीक है। तो ये था मेजर स्केल्स, हमने क्विकली इसको रिवाइज कर लिया है। ना अब हम आ जाते हैं हमारे माइनर स्केल पे, आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब देखो मेजर स्केल और माइनर स्केल में फर्क क्या है कि सेम ही चीज होती है, उसमें भी 7 नोट फाइंड करने होते हैं और मेजर में भी 7 नोट फाइंड करने होते हैं, सिर्फ साउंड का डिफरेंस होता है। देखो अब अपने मेजर स्केल में एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि सारे गमा साउंड करता है। देखो सारे गमा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, और वैसे दूसरे पे करेंगे तो देखो, ठीक है, सब में सारे गमा वाला साउंड आएगा। लेकिन माइनर स्केल में यही चीज है कि उसमें सारे गमा का साउंड नहीं आएगा, आपको ये साउंड से यूज टू होना पड़ेगा। इसके जो स्केल का साउंड है, देखो मैं सुनाता हूं आपको, देखो यहां पे भी दूसरा साउंड आएगा, ठीक है, ऐसे टाइप के साउंड, ऐसा टाइप का साउंड आएगा, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं माइनर स्केल का। आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे मैं फिर से जो हमारा मैंने जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है टी एस टी, उसको फिर से कवर नहीं करूंगा, मतलब टोन सेमी टोन को फिर से डिटेल में हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि मेजर स्केल में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है टोन और सेमी टोन को। तो अगर आपको टोन सेमी टोन नहीं पता तो पहले मेजर स्केल का लेसन चेक कीजिए, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज टोन, व्हाट इज सेमी टोन और कैसे एक फॉर्मूला पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए माइनर स्केल, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लैक कीज नहीं होती, तो ये हमारी बेसिक स्केल हो गई माइनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डैश हो रहा है, डैश मतलब दिख रहा है आपको, तो वो हो गया हमारा रूट नोट, जैसा हमने मेजर स्केल में किया था, सेम ही चीज है, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट नोट, तो ए माइनर का रूट नोट हो गया ए, सिंपल। जैसे ही ए मेजर का हो गया रूट नोट ए, वैसे ही ए माइनर का भी रूट नोट होता है ए, ठीक है। वो तो अब हमने नेक्स्ट जो है हमारा हो गया टोन, तो ए माइनर सॉरी ए का टोन हो गया बी। और एक चीज याद रखने कि नोट्स में हमारा माइनर कभी नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे ये ए माइनर नोट है, ये ई माइनर नोट है, नोट्स हमेशा सिंगल ही होते हैं, मतलब ए उसके पीछे कुछ नहीं लगता नोट्स। हम जब कॉर्ड्स करते हैं ए मेजर, ए माइनर, ए मेजर स्केल, ए माइनर स्केल, तब हम पीछे लगाते हैं मेजर माइनर, ठीक है। तो पहले डिस्प्ले फॉर्मूला को देख लेते हैं, रूट नोट, फिर टोन, फिर सेमी टोन, फिर दो बार टोन, फिर सेमी टोन, फिर से दो बार टोन। तो अब इसको इस पे वर्क करके देखते हैं, आप स्टॉप करके भी अपने आप से भी कर सकते हो, फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो गया आप कर सकते हो। देखो तो हम कहते हैं यहाँ पे रूट नोट, फिर टोन, फिर एक एस टी मतलब सेमी टोन, मतलब बी का सेमी टोन इज सी, क्यों क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई की नहीं है, तो हो गया ये हमारा सेमी टोन। फिर दो बार फिर से टोन है, तो सी का टोन इज डी, डी का टोन इज E। अब एक बार और सेमीटोन है, तो अब E का सेमीटोन क्या होगा आपको पता ही है, E का सेमीटोन होगा F, F का टोन होगा G एंड लास्ट G का टोन होगा A। तो ये हो गया हमारा माइनर स्केल का फॉर्मूला और माइनर स्केल्स। देखो धीरे जाते हैं, ठीक है, हमने एक कर लिया, अब दूसरा एक ब्लैक की वाला कर लेते हैं हम, जैसे हमने मेजर स्केल में किया था, अब करेंगे एफ शार्प माइनर, ठीक है। तो हमारा रूट नोट हो गया एफ शार्प, अब उसके आगे लिखा है टी, तो करेंगे एफ शार्प का टोन जी शार्प, फिर उसका सेमी टोन हो गया ए, फिर ए के आगे लिखा है मतलब फॉर्मूले में टोन, तो ए का टोन इज बी, उसके आगे भी टोन है, तो बी का टोन इज सी शार्प, अब उसके बाद सेमी टोन लिखा है, तो सी शार्प का सेमी टोन हो गया हमारा डी, अब डी का टोन, राइट, दो बार लास्ट में टोन है, तो डी का टोन इज ई एंड लास्ट
E का टोन इज F शार्प, तो ये हो गया हमारा F शार्प का स्केल। ठीक है, तो जैसे आपने पहले लेसन में 12 मेजर स्केल फाइंड किए थे, वैसे ही ये लेसन में 12 माइनर स्केल्स फाइंड करने। ठीक है, एक ही नोट से हम दो स्केल बनाएंगे। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, हमने पहले सीखा था ए मेजर स्केल, आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो भी टेंशन मत लीजिए, आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, ये है ए मेजर स्केल, अब ए माइनर स्केल। ठीक है, एक ही नोट से हमने दो स्केल बना लिए। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, एक ही नोट से दो स्केल, तो अब टोटल कितने स्केल्स हुए, सिंपल 12 नोट है हमारे कीबोर्ड में, तो 12 × 2 = 24 स्केल्स। अब आपको ये 24 स्केल्स को इतना पक्का कर लेना, और कैसे करना है मैं बताता हूँ। अब इसने इतना पक्का करने से क्या होगा कि जैसे मैंने मैंने मेजर स्केल में बताया था बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको एकदम पक्का कर लीजिए। अब इसको करना कैसे, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा पक्का हो गया और या मेरा कच्चा है। ठीक है, तो देखो इसकी एक ट्रिक है, क्या कीजिए कि आपका एक बार 24 स्केल्स आपके एक बार हो जाए तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आपके मॉम डैड भाई बहन फ्रेंड्स जो भी हो, कोई भी रिलेटिव हो, उसको उनको बोलिए कि आप उनको लिस्ट दे दीजिए कि ये 24 स्केल्स है, उनमें से कोई भी एक रैंडम स्केल्स पिक करे, तो आपको तुरंत प्ले करना है उसको। उनके बोलने के जस्ट 5 सेकंड के अंदर आपको प्ले कर देना है, मतलब 5 सेकंड के अंदर आपको स्टार्ट कर देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो समझ लेना कि आपका कच्चा है। अब आपको कोई बोले कि जो फटाफट ए स्केल, बोले सी स्केल, एफ शार्प माइनर स्केल, डी शार्प स्केल, ठीक है, मतलब इतना पक्का करना है आपको। ठीक है, आपने मतलब ये स्पीड होनी चाहिए स्केल्स को प्ले करने की। ठीक है, तो ये स्केल्स आपने अच्छे से प्ले कर लिए, तो अब आपको अपनी टेस्ट लेनी, और अगर आप टेस्ट में फेल होते हो तो आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि देखो ये वीडियोस है। अब मेरे जो ऑनलाइन सेशन होते हैं उसमें तो मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, तो उसमें तो मतलब मैं पकड़ लूंगा आपको कि अगर आप रॉन्ग कर रहे हो या मतलब नहीं हो रहा, तो लेकिन ये वीडियोस है तो इसमें आपको खुद को ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली इसको फॉलो करते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप एंड में फिर मुझे बोलोगे कि मेरे तो अभी भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और मेजर माइनर स्केल्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ फाइल आपको ये नंबर पर मिल जाएगी, स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9106723893, ये नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है और नीचे लिखना है कौन से लेसन की पीडीएफ फाइल चाहिए। ठीक है, आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस क्या है, सबसे पहले अपने आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद पीडीएफ से क्रॉस चेक कर लेना कि आपने राइट नोट डाउन किया या रॉन्ग। और साथ साथ में सबकी फिंगर पोजीशंस डिफरेंट होगी, तो फिंगर पोजीशंस पे मेन ध्यान देना। फिंगर पोजीशन जैसे हमने डिस्कस की थी सारे स्केल में, मतलब मेजर स्केल में 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी फिफ्थ फिंगर लास्ट फिंगर, वैसे ही फिंगर पोजीशंस अच्छे से मेंशन की है उसमें, तो आप मेक श्योर कि फिंगर पोजीशंस के साथ इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मेन इसकी शिफ्टिंग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमने मेजर स्केल में मतलब कंपोजिशन में हेल्प करता है, वैसे ही माइनर स्केल भी कंपोजिशन में हेल्प करता है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कॉर्ड्स माइनर यूज होंगे और सेट ऑफ नोट्स माइनर स्केल के यूज होंगे। देखो अब मैं कुछ प्ले करके बताता हूँ अपने आप, मतलब आपको कहीं पे ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा, मैं ऑन द स्पॉट कंपोज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब देखो मैं एफ शार्प माइनर से करूंगा, तो एफ शार्प माइनर के नोट्स क्या हो गए, ठीक है, तो ये हो गया उसके नोट्स। अब देखो मैं कुछ हम प्ले करते हैं, ठीक है, ये मेरी एक मेलोडी हो गई। अब इस पर आपको सिर्फ लिरिक्स ऐड करना है, और आपके पास अगर कोई लिरिक्स हो तो व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर देना, हम कंपोज कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मेलोडी, मतलब आप वैसे कुछ भी कंपोज भी कर सकते हो इससे। ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मेजर स्केल्स माइनर स्केल्स करने, और नेक्स्ट लेसन हम बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, और मैं इसका टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 24 स्किल्स सारे करने, मैंने सारे स्किल्स आपको सिखा दिए और फॉर्मूला सिखा दिए, वैसे ही सारे स्किल्स पे अप्लाई करते जाना। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।
So hello everyone, myself Josh Kutawala from Pixseries and welcome to the fifth lesson of free course by Pixseries. आज सबसे ज्यादा requested topic लेके आया हूँ chords के बारे में. आज हम जानेंगे कि basics, chords होते क्या है, chords play कैसे करते हैं और chords तीन के क्यों होते हैं, यही notes मतलब कोई भी एक particular chord के लिए यही notes use क्यों करते हैं. बहुत सारी नई चीज जानने को मिलेगी तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना. सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक. ओके सो फ्रेंड्स, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले सेशन में क्या किया था. हमने पिछले वीडियो में माइनर स्केल्स देखे थे और माइनर स्केल का फॉर्मूला होता है रूट नोट, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन. तो इसको आपको प्रैक्टिस करना था ऐसे. और दूसरे स्केल्स भी हमने देखे थे और इसको मेट्रोनियम पे प्रैक्टिस करना था. ये सिंपल था हमारा पिछले सेशन का, हमने क्विकली रिवाइज कर लिया इसको. और अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हो तो प्लीज वो वीडियोस को पहले देखिए, क्योंकि कॉर्ड्स मैं आज स्केल्स के ऊपर से ही सिखाऊंगा. मतलब अगर आपको स्केल्स आते हैं तभी आप कॉर्ड्स अच्छे से सीख पाओगे और वो ही राइट तरीका होता है कॉर्ड्स को अच्छे से सीखने का. ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पे देखो आई बटन पे लिंक आ गया, क्योंकि अभी भी कह रहा हूँ कि एक बार मेजर स्किल्स और माइनर स्किल्स को प्लीज चेक कर लीजिए और एक बार उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए ताकि आपको कॉर्ड्स इजीली समझ आ जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉर्ड्स में. देखो आपने अब तक देखे होंगे कॉर्ड्स ऐसे प्ले करते हैं, कोई भी कॉर्ड मतलब ये कॉर्ड होते हैं राइट. थ्री के फिंगर में हम जब कोई मतलब तीन की को साथ में प्ले करते हैं तो उसको कहते हैं हम कॉर्ड. ठीक है, ये हमारा हो गया कॉर्ड. अब कॉर्ड के साथ आप सॉन्ग प्ले करते हो ऐसे. राइट, मतलब ऐसे आप कॉर्ड्स के साथ सॉन्ग प्ले करते हो. अब पहले हम सीखेंगे आज के सेशन में कि कॉर्ड्स क्या होते हैं और कॉर्ड्स मतलब कितने कितने कॉर्ड्स होते हैं और सारे कॉर्ड्स को सीखेंगे. ठीक है, दोनों उनका कोऑर्डिनेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. अभी सिर्फ देखेंगे कि कॉर्ड्स कैसे होते हैं और कॉर्ड्स के नोट्स क्या होते हैं, मतलब एक कॉर्ड के नोट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने मेजर स्केल और माइनर स्केल को अच्छे से कर लिया होगा. ठीक है, अब आपने मेजर स्केल आपने अच्छे से किया हो तो आपको पता होगा सी मेजर स्केल क्या होता है. आपको 24 के 24 स्केल्स आपको प्ले करने आते होंगे. ठीक है, तो अब देखिए कॉर्ड्स को सिंपल एकदम बेस्ट तरीका है फाइंड करने का. आपको स्केल आता है राइट, आपको जो कॉर्ड फाइंड करना है वो स्केल आपको प्ले करना आना चाहिए. देखो आपको सी कॉर्ड फाइंड करना है और आपको सी स्केल प्ले करना आता है. मैं बोल रहा हूं सी स्केल. अब सी स्केल का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट इज आवर सी कॉर्ड. फिर से मैं रिपीट करता हूं, सी स्केल का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट, ये हो गया हमारा सी स्केल. अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं. ये हो गया हमारा सी स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ नोट है एक स्केल में, मतलब सात नोट है, आठ को रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट, ये हो गया फर्स्ट, फिर टू थ्री, फिर फोर फाइव. ठीक है, तो ये हो गया 1 3 5, तो ये हो गया हमारा सी कॉर्ड. देखा कितना सिंपल है. अगर आपने मेजर स्केल अच्छे से फाइंड किए होंगे और माइनर स्केल भी अच्छे से किए होंगे तो आपको कॉर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है. अब वैसे ही आप पहले सबसे पहले देख लेते हैं कॉर्ड्स को प्ले करने की पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में. ठीक है, ये देखो मेरे दोनों हाथ है. अब आपको ये हाथ को अनलॉक कर देना, इसका काम शुरू हो गया है. अब तो अब मजा आएगा आपको. देखो ये मेरे दोनों हाथ है, सेम 1 2 3 4 5, जो ये हाथ में किया था 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये हो गया हमारे फिंगर पोजीशंस. अब देखो कोई भी कॉर्ड को प्ले करना हो तो पहले जो की होगी वो 5, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, 5 3 1, ये जो हमारे फिंगर पोजीशन है, देखो 5 3 1, इससे हम लेफ्ट हैंड में कॉर्ड प्ले करेंगे. ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड में मेरा ये फिफ्थ फिंगर है, राइट, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड. अभी पहले लेफ्ट हैंड में देखते हैं, ये फिफ्थ फिंगर है, उससे हमें प्ले करना है फर्स्ट नोट ऑफ द कॉर्ड. ठीक है, तीन नोट होते हैं कॉर्ड में, तो उसमें फर्स्ट नोट हमें लिटिल फिंगर से प्ले करना है, फिर सेकेंड नोट हमें हमारे मिडिल फिंगर से प्ले करना है. तो हो गया हमारी ये थर्ड फिंगर, तो मिडिल नोट है हमारा ई, तो ये हो गया 1 2, और जो लास्ट नोट बचा उसके लिए हमें 1 यूज करना है, मतलब हमारे फिंगर थंब यूज करना है, तो ये हो गया जी. तो सी कॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया सी कॉर्ड. ठीक है,
अब राइट हैंड में भी सेम हमें वही चीज करनी है, 1 3 5, लेकिन उसको उल्टा कर देना। अब पहला नोट हमें थंब से प्ले करना है, दूसरा नोट मिडल फिंगर से प्ले करना है, और तीसरा नोट रिंग फिंगर से प्ले करना है। तो दोनों हाथों से ऐसे प्ले करेंगे कॉर्ड को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉर्ड। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब एक जी का, जी कॉर्ड का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपको जी स्केल प्ले करना आता है। अब उसका फर्स्ट नोट हो गया हमारा जी, फिर ये सेकेंड नोट है, फिर ये थर्ड नोट, फिर ये फोर्थ नोट है, और ये फिफ्थ नोट। तो ये हो गया हमारा जी कॉर्ड, ठीक है। सेम फिंगर पोजिशन, फिफ्थ 3 1, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आपको सारे कॉर्ड्स की फिंगर पोजीशंस हो जो है, सारे कॉर्ड्स के नोटेशंस, मतलब ये कॉर्ड मैंने कितने नोट्स यूज किए, जी बी डी इज अवर जी कॉर्ड। तो ऐसे ही आपको सारे कॉर्ड्स के नोटेशन या ये नंबर में मिल जाएंगे, यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज 9106723893। यहाँ पे आपको सिर्फ एक टेक्स्ट करना है और नीचे लिख देना है आपको कौन से लेसन की पीडीएफ फाइल चाहिए। और बहुत सारे लेसन ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलरेडी 4 लेसन आ चुके हैं, तो उसकी लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको फाइल चाहिए फ्री में तो यहाँ पर टेक्स्ट कीजिएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गई एक मेथड कॉर्ड को फाइंड करने की। अब एक बार और एक एग्जांपल लेते हैं माइनर कॉर्ड का, ठीक है। अब माइनर्स में भी सेम ऐसा है, माइनर कॉर्ड में भी फर्स्ट नोट थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट ऑफ माइनर स्केल, राइट। फर्स्ट नोट थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट ऑफ माइनर स्केल, वो हो गया हमारा माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब देखो हमने कौन सा माइनर, हम एक माइनर स्केल लेते हैं, सी शार्प माइनर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सी शार्प माइनर के आए हो, आपको नोट्स पता होंगे, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं फिर से एक बार, ठीक है। ये नोट्स है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोट, फिर ये सेकेंड नोट, और ये थर्ड नोट, फिर ये फोर्थ नोट, और ये फिफ्थ नोट, क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 3 5। तो ये हो गया हमारा सी शार्प माइनर कॉर्ड। देखो मैं फिर से अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ, पहले नोट डाउन कर लीजिए ये वाले, ठीक है। ये हो गया सी शार्प माइनर। अब इसको भी सेम प्ले करना है 5 3 1 से, राइट, सी शार्प माइनर। वैसे ही सी शार्प मेजर के हमने नोम को पता है सारे का, मैं सी शार्प मेजर का तो सबसे पहले लेसन में देख लेता हमने, ठीक है। तो सी शार्प फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ नोट, तो ये हो गया हमारा सी शार्प मेजर, और ये हो गया सी शार्प माइनर। देखो सी शार्प मेजर और सी शार्प माइनर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक मेथड कॉर्ड को फाइंड करने की। आपको अभी सारे कॉर्ड्स अच्छे से फाइंड करने, जितने भी की है उसके दो कॉर्ड्स होंगे, देखो सी सी माइनर, डी डी माइनर। कैसे करना है, स्केल्स लिखे आपने 24 स्केल, उसके फर्स्ट नोट थर्ड नोट और फिफ्थ नोट को लिख दीजिए, तो वो हो गया हमारा एक कॉर्ड। तो ऐसे ही आपको 24 कॉर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी एक ट्रिक बताता हूँ कॉर्ड्स को फाइंड करने की, और ये सबसे सिंपल ट्रिक है, मतलब पता होना चाहिए हमें दोनों, ठीक है। क्योंकि स्केल को कॉर्ड्स के साथ करने का एक रीजन है, वो आपको आगे के लेसन में पता चलेगा कि क्यों हमने ऐसे किया इसको, ठीक है। तो देखिए अब दूसरी जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, कोई भी एक नोट लीजिए, कोई भी एक नोट, ओके। अब सबसे पहले एक चीज याद कर लीजिए कि मेजर कॉर्ड के लिए हम नंबर याद करेंगे 1 5 8, और माइनर के लिए हम याद करेंगे 1 4 8। फिर से, मेजर के लिए 1 5 8 और माइनर के लिए 1 4 8, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक की लेते हैं, हम ई की लेते हैं, तो जो कॉर्ड हमें फाइंड करना है, मतलब उसका रूट नोट होगा ई, राइट। मतलब जो भी कॉर्ड फाइंड करो, सपोज आप ई कॉर्ड फाइंड करो तो उसका भी रूट नोट होगा ई, तो हमें ई प्रेस करना है, तो ये हो गया हमारा 1। फिर सेमी टोन वाइज ऊपर जाना है, एक एक सेमी टोन को एक एक नंबर देंगे हम, ठीक है। तो ये ई 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 5 और फिर 6 7 8, तो ये हो गया हमारा ई कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा ई मेजर कॉर्ड। अब वैसे ही माइनर के लिए करना है तो 1 4 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा ई माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो आपको आई होप कॉर्ड्स का फंडा क्लियर हो गया। और एक कॉर्ड का एग्जांपल लेते हैं मेजर माइनर का, ये ट्रिक के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारी एफ शार्प। अब देखिए 1, राइट, एफ शार्प कॉर्ड फाइंड करा, तो फिर उसका मेजर का क्या होगा, 1 5 8, तो 2 3 4 5, ठीक है, क्यों,
1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके नीचे वाली 6, इसके बाजू वाली 7 और 8, तो ये हो गया हमारा F शार्प कॉर्ड। ठीक है, अब उसी का माइनर कॉर्ड करते हैं, F शार्प माइनर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो गया हमारा F शार्प माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो ये दो मेथड है आपको फाइंड करने की। अगर आप पिक सीरीज का कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए सबसे पहली ट्रिक काम करेगी बहुत अच्छे से, 1/3, 5th, 1/3 and 5th नोट ऑफ एवरी स्केल इज आवर कॉर्ड, ये वाली ट्रिक। और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो कोर्स को तो आप ये मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप पहली मेथड को ही फॉलो कीजिए, वो एकदम प्रॉपर मेथड है, फंडामेंटल मतलब एकदम प्रॉपर, मतलब एकदम थियरी वाइज जाते हैं तो ये मेथड काम करती है हमारे। ठीक है, ये वाली जुगाड़ वाली मेथड है, और ज्यादा जुगाड़ में अभी नहीं पढ़ना है हमें, हम आगे जाके वो सब भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सारे कॉर्ड्स लिख लिए आपने, 24 कॉर्ड्स लिख लिए, अब उसको दोनों हाथों से प्ले करना है। क्यों, आपको लग रहा होगा कि कॉर्ड तो हम एक ही हाथ से प्ले करते हैं, लेफ्ट हैंड से, तो दोनों हाथ से कॉर्ड्स को क्यों प्ले करना है, उसका रीजन है। देखो, अब रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि टिल द टाइम यू नो द व्हाई ऑफ समथिंग यू डोंट नीड एन इंस्पिरेशन, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, राइट, तो आपको मजा आएगा करने में और आप अपने दिल से करोगे ये चीज। अब देखो, आप एक हाथ से कॉर्ड प्ले करोगे तो आपको एक ही हाथ की आदत होगी, लेकिन सॉन्ग्स प्ले करना है तब तो दोनों हाथों से करना होता है, सिर्फ कॉर्ड्स वैसा तो नहीं है ना कि आप सॉन्ग के सिर्फ कॉर्ड्स प्ले करोगे और सॉन्ग प्ले हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, दोनों हाथों से करना होता है। तो वो जो दोनों हैंड का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपको दोनों हाथ को साथ में चलाना है, राइट, दोनों हाथ को मतलब प्रॉपरली एक मूवमेंट में चलाना है, उसके लिए दोनों हाथों का साथ में चलना जरूरी है। अभी अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड से करोगे तो आप फटाफट कॉर्ड्स को निपटा लोगे, क्योंकि एक ही जगह पे ध्यान देना होता है, राइट, लेकिन जब सॉन्ग प्ले कर रहे कॉर्ड्स के साथ तब दोनों जगह पे ध्यान देना होता है, एक तो लेफ्ट पे ध्यान देना होता है, एक तो राइट पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो अभी से हम दोनों पे अच्छे से ध्यान देंगे तो हमको सॉन्ग्स में बहुत ज्यादा ईजी रहेगा ये चीज फाइंड, मतलब कोऑर्डिनेट करने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉर्ड्स को दोनों हाथों से प्रैक्टिस करना है, दोनों हाथों से। देखो, आप कैसे प्रैक्टिस करना है, ये हो गया कोई भी रैंडम कॉर्ड्स, सेम चीज़ करनी है, अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने रिलेटिव्स को बोलिए, अपने भाई बहन फ्रेंड को बोलिए, 24 स्केल्स के नाम दे दीजिए उनको, और उनको बोलिए कि कोई भी 5-10 कॉर्ड बोले आपको, वो बोले उसके बाद तुरंत प्ले करना है। उन्होंने बोला सी कॉर्ड, बोला एफ शार्प माइनर, सी शार्प, डी शार्प माइनर, जी शार्प, जी शार्प माइनर, ठीक है, ऐसे। और वैसे ही वो जो फंडा हमने किया था, मतलब वेस्टर्न नोट्स का, कि बी के ऊपर वाला बी फ्लैट, तो इसको हम बोलेंगे बी फ्लैट कॉर्ड भी बोलेंगे और ए शार्प कॉर्ड भी बोलेंगे। अब बी फ्लैट और ए शार्प अलग अलग नहीं है, बी फ्लैट और ए शार्प एक ही की के नाम है, राइट, मतलब एक ही नोट के, मतलब सॉरी एक ही की के दो नाम है। ठीक है, बी फ्लैट भी वही कॉर्ड होता है, ए शार्प भी वही कॉर्ड होता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज याद कर लेनी है, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं सिर्फ, और आप यहाँ तक आ गए हो तो मेक श्योर आप सिर्फ सब्सक्राइब करना, इतना सिस्टमैटिक और इतनी प्रॉपर सीरीज आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। और अभी बहुत जल्दी कैसे नोट्स फाइंड करें, कैसे कॉर्ड्स फाइंड करें, आरपेजियोस, एडवांस आरपेजियोस, वो सारी चीज़ भी आने वाली है, तो उसको आप मिस कर दोगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इतना सिस्टमेटिक वो चीज़ भी होगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें पिक्चर्स को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग। So hello everyone, myself Josh Kutala from PickSeries and welcome to the 6th lesson of free course by PickSeries. आज हम यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आप मतलब हमने दोनों हाथों से कॉर्ड्स तो कर लिए, अब कॉर्ड्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपका दोनों हैंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। और अगर आपने कॉर्ड्स नहीं देखा हो तो यार यहाँ पे लिंक आ जाएगी, उसको चेक कीजिए, पहले कॉर्ड्स सीखिए उसके बाद कॉर्ड्स की एक्सरसाइज करोगे ना। और अगर आपको कॉर्ड्स आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं आते कॉर्ड्स तो सबसे पहले यहाँ पे आई बटन पर लिंक आ जाएगी ऊपर, तो उसको चेक कीजिए और कॉर्ड्स को सीखिए, फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, एक बार पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले सेशन में क्या किया था। देखो, पिछले सेशन में हमने क्या किया, हमने कॉर्ड्स की मेथड सीखी। देखो, मैं आपको पूरा बेसिक थियरी सिखा रहा हूँ, ये मतलब सॉन्ग्स तो मैं सिखाता हूँ, वो तो आपको खुद को करने ही है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, कॉर्ड्स
कैसे प्ले करते हैं, अब आपको प्ले खुद करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो से आपको इसमें ऑनेस्ट रहना है। मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसे प्ले करना है और उनको मैं पर्सनली गाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियोज है तो उनमें आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ये सीरीज के एंड में आप बोल पाओगे कि मजा आ गया, ठीक है। तो देखो पिछले सेशन में हमने क्या किया, सी कॉर्ड कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी कॉर्ड को एवरी फर्स्ट नोट एंड थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट ऑफ अ पर्टिकुलर स्केल इज आवर कॉर्ड। तो सी स्केल का 1, 3, 5 नोट ये हुआ, तो ये हो गया हमारा सी कॉर्ड। वैसे ही माइनर स्केल का एक देख लेते हमने, चलो बहुत सारे एग्जांपल्स रिपीट हो रहे तो अब कुछ नया लेते हैं। चलो बी एफ शार्प माइनर ले लेते, ठीक है। अब ए शार्प माइनर स्केल क्या है, ठीक है, ये ए माइनर स्केल है। तो ए माइनर का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट, तो ये हो गया ए शार्प माइनर कॉर्ड, और इसी को बोलते हैं पी फ्लैट माइनर कॉर्ड। तो ये हमने कॉर्ड देखा, कॉर्ड्स की दूसरी एक ट्रिक देखी थी, दैट इज 1, 5 एंड 8 नोट फर्स्ट नोट, 2, 3, 4 फिफ्थ नोट, 6, 7, 8 नोट इज आवर मेजर कॉर्ड एंड 1, 4, 8 इज आवर माइनर कॉर्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया हमारा माइनर कॉर्ड, राइट, ये हो गया हमारा माइनर कॉर्ड। और ऐसे ही आपको साथ में प्रैक्टिस करना है, 24 के 24 कॉर्ड प्रैक्टिस करना है ऐसे। ऐसे आपको सारे कॉर्ड्स की अच्छे से शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, सी जी डी ए ई बी, ऐसे मतलब प्रैक्टिस करनी है शिफ्टिंग की। देखिए इतना फास्ट नहीं होगा चलेगा, मेरा तो इतने साल का एक्सपीरियंस है इतना, इसलिए इतना हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्लोली कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्ड्स की एक्सरसाइज, मतलब कॉर्ड्स के साथ प्ले क्या करना है, ठीक है। अब आपको देखो, अब जितने भी लेसन होंगे सारे इंटरलिंक्ड होंगे, ठीक है। आपको अगर मेजर स्केल्स नहीं आते, माइनर स्केल्स नहीं आते, तो पहले चेक कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज उसी के रिलेटेड है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अभी सारे लेसन इंटरकनेक्टेड हो गए, नोट्स कैसे फाइंड करना है वो भी मेजर माइनर स्केल पे, कॉर्ड्स कैसे फाइंड करना है वो भी मेजर माइनर स्केल पे, ये वाला जो लेसन करेंगे वो भी मेजर माइनर स्केल के मतलब कनेक्टेड है, कॉर्ड्स कैसे फाइंड करना है सॉन्ग के कॉर्ड्स वो भी मेजर माइनर स्केल पे होगा, आर्पेजियोस कैसे करना है वो भी मेजर माइनर, सब कुछ कनेक्टेड अभी ये सब, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सारे चीज को फॉलो करते करते यहां पे आए हो। तो अब आपको क्या करना है, जो कॉर्ड प्ले कर रहे हो उसका स्केल प्ले करना है, एज सिंपल एज दैट। देखो सी कॉर्ड प्ले कर रहे हो, सी का स्केल प्ले कीजिए पूरा ऐसे, एक बार जाते प्ले करना है, जाते समय ऊपर जाते समय प्ले करना है, और एक टाइम आते वक्त प्ले करना है, ठीक है, और एक बार पीछे आते समय वैसे ही दूसरा स्केल करना है, दूसरा मतलब कॉर्ड्स का करना है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मेजर स्केल को, मेजर स्केल तो आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, तो मेजर स्केल तो प्ले करना आता है आपको, आपने पिछले सेशन में सारे कॉर्ड्स भी नोट डाउन कर लेंगे तो आपको कॉर्ड्स प्ले करना भी आते हैं, शिफ्टिंग की प्रैक्टिस की तो आपको कॉर्ड्स भी तो अच्छे से शिफ्ट करना आ गया होगा। अब करना क्या है, दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। पहले ये सीख लिया, फिर ये सीख लिया, अब दोनों को साथ में प्ले करना है। अब जी कॉर्ड प्ले करना है और उसके साथ में जी स्केल प्ले करना है। अब ये हो गए मेजर कॉर्ड, वैसे ही आपको 12 मेजर स्केल प्रैक्टिस करने हैं, 12 माइनर स्केल प्रैक्टिस करने हैं। देखो माइनर में हम देख लेते हैं कोई माइनर स्केल, सी शार्प माइनर देख लेते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कॉर्ड्स 1, 3, 5 नोट, देखो ठीक है। इसकी भी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, स्केल प्ले करना और कॉर्ड प्ले करना है, सिंपल, दोनों को स्केल प्ले करना है और उसके साथ में वही स्केल का कॉर्ड प्ले करना है, वैसे ही दूसरा स्केल प्ले करना है और उसी स्केल का कॉर्ड प्ले करना है, दोनों को ऐसे ही कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। तो अब देख दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ये एक्सरसाइज का, ठीक है। एफ शार्प माइनर स्केल, मेरा फेवरेट स्केल, एफ शार्प माइनर प्ले किया, कॉर्ड प्ले किया यहाँ पे, और यहाँ पे स्केल करना है, ठीक है। तो अब ये जो एक्सरसाइज हमने की उसको मेट्रोनियम पे करना है, ठीक है। अब मेट्रोनियम पे कैसे करना है मैं दिखाता हूँ, सिंपल वही वाला हम ऐप यूज करेंगे, मेट्रोनियम बीट्स वाला, देखो ये वाला ही ऐप यूज करेंगे हम, जो हमने मेजर स्केल में यूज किया था, जो हमने एक्सरसाइज में यूज किया था, जो हमने माइनर स्केल में, मतलब सब में ये वाला ऐप यूज करेंगे। अगर आपके कीबोर्ड में मेट्रोनियम का ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं है तो ये है हमारे पास, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 100 कर लेना है इसको, ठीक है। अब मेरे को दोनों हाथ से प्ले करना है तो मैं इसको नीचे रख दूंगा, क्योंकि एक हाथ से प्ले नहीं कर सकते इसको। अब यहाँ पे प्ले करना स्टार्ट करना है,
ठीक है। ठीक है, ऐसे प्ले करना है सारे स्केल्स को, ठीक है, आपके 24 स्केल्स को कॉर्ड्स के साथ करना है और साथ साथ में नोट्स भी प्ले करना है यहाँ पे। अब इसको इंक्रीज कीजिए टेम्पो, देखते हैं कितना जा सकते हैं हम। चलो पिछले एक में 170 किया था, अब 200 करते हैं एक बार, ठीक है। चलो 200 रख दिया आपने, स्टार्ट किया 1 2 3। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जैसा हमने मेजर स्केल में किया था, एक बीट पे एक ही नोट प्ले करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ प्ले नहीं करना है, एक बीट पे एक ही नोट प्ले करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको सारे कॉर्ड्स के साथ सारे स्केल्स को प्रैक्टिस करना है। अब ये हो गई हमारी एक एक्सरसाइज, अब दूसरी एक्सरसाइज भी देखते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे हम, देखो दूसरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, स्केल से रिलेटेड ही है। आपको क्या करना है, एक ही स्केल के पहले 5 नोट प्ले करना है और उसको फिर से रिवर्स कर देना है। सिंपल, देखो मैं दिखाता हूँ। अब सी बेसिक स्केल, पहले 5 नोट, 1 2 3 4 5, और फिर रिवर्स आना है 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2, मतलब 1 2 3 4 5 4 3 2, 1 2 3 4 5 4 3 2। ये नोट्स देखो डिस्प्ले हो रहे हैं ताकि आपको नंबर याद रह जाए, 1 2 3 4 5 4 3 2, 1 2 3 4 5 4 3 2। ये हमें सारे स्केल्स में करना है और साथ में उसका कॉर्ड प्ले करना है। देखो ये हो गया कॉर्ड हमारा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 4 3 2, अब दूसरे स्केल का डिफरेंट हो गया नोट्स। अब देखो दूसरे स्केल में हम डी लेते हैं, तो डी के आपको नोट्स पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये हो गए नोट्स उसके। अब 1 2 3 4 5 4 3 2, क्योंकि इसके 5 नोट यहाँ पे, इसके 5 नोट में ये भी आता है, इसलिए 1 2 3 4 5 4 3 2, 1 2 3 4 5 4 3 2। अब वैसे ही अब दूसरा स्केल करेंगे हम, एफ करेंगे, देखो एक बार और। अब देखो एफ का स्केल आपको पता है, आपने नोट डाउन कर लिया हो तो, ठीक है, 1 2 3 4 5 4 3 2, 1 2 3 4 5 4 3 2। अब इतना फास्ट कर सकते हो। अब दूसरा एक स्केल लेते हैं, एग्जांपल के लिए बी स्केल लेते हैं, ठीक है। अब बी कॉर्ड प्ले करना है, मतलब सारे स्केल के कॉर्ड के साथ करना है, जितना आपने 24 स्केल सीखे उतने आपको 24 बार एक्सरसाइज करनी है इसको, ठीक है। अब बी कर लिया, अब बी के स्केल के नोट्स पता है आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 4 3 2, 1 2 3 4 5 4 3 2। सिर्फ आपको स्केल्स पता है तो आपको सब कुछ पता है ये लेसन का और कॉर्ड्स के लेसन का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 4 3 2। अब देखो यहाँ पे ये कॉर्ड में मैंने ये फिंगर यूज़ की, आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, आपको यहाँ पे पेन कर सकता है ज़्यादा अगर बी कॉर्ड प्ले करते हो तो। आप ये भी कर सकते हो 5 3 2, मैंने बताया कि सारे कॉर्ड्स की फिंगर पोजीशंस भी मैंने मेंशन की हुई है पीडीएफ में पिछले लेसन में, ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और उसकी पीडीएफ फाइल आपको, उसके लिए आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा। और ये एक्सरसाइज का भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, ये नंबर दिया है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, 9106723893, यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट करना है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वो भी फ्री में। और इतनी सारी चीज फ्री में मिल रही है और उसके सामने मैं एक पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है आपको पता है, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बस इतना ही कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि अभी नेक्स्ट लेसन जो आने वाले वो नोट्स फाइंड करना है, कॉर्ड्स फाइंड करना है, आरपेजियोस, तो वो तो अभी मेन लेसन है, वही चीज के लिए तो आप कब से वेट कर रहे थे, तो उसी को आप मिस कर दोगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो वो चीज करना है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। अब एक एग्जांपल माइनर स्केल का ले लेते हैं। अब देखो माइनर स्केल में हम हमारा फेवरेट स्केल लेंगे, मतलब मेरा एफ शार्प माइनर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है,
4, 3, 2 अब कॉर्ड प्ले करना और साथ में एक्सरसाइज। अब इसी चीज को फिर से हमें करना है हमारे मेट्रोनियम के साथ, ठीक है। अब मेट्रोनियम में क्या करेंगे, हम सेम ही चीज करेंगे। देखो पहले 100 से स्टार्ट करेंगे, फिर जहां तक जा सकते हैं हम वहां तक जाएंगे। ओके अब देखो यहाँ पे रख देते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं। आपको शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि सी के बाद डी प्ले किया, क्योंकि सी के बाद डी बहुत नजदीक है। सी के बाद कोई पे दूर जाइए, आगे ट्रैवल कीजिए। सी के बाद जी प्ले कीजिए, फिर जी के बाद फिर से पीछे आ जाइए तो सी शार्प प्ले कीजिए। सी शार्प के बाद आगे जाना है तो और आगे जाइए, जी शार्प जाइए, ऐसे ट्रैवल करना है, ठीक है। अब देखो 3, 4, 1, 2, 3, 4 माइनर कॉर्ड और एक आप इसी को टेम्पो इंक्रीज कीजिए और जाइए ऊपर तक जितना जा सकते हो आप, आपके लिए बेटर है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 प्ले करो उतने कम है, राइट। 24 के लिए जितने सारे जितना प्ले कर सकते हो, जितना शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपने ये दो एक्सरसाइज तो देख ली, अब बात करते हैं कि अब आपको मतलब इतना ही प्रैक्टिस थोड़ी करना है, राइट। आपको कॉर्ड्स आ गए, कॉर्ड्स के साथ अपना थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करना आ गया अगर आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया तो। अब आपको सॉन्ग्स करने, ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत सारे सॉन्ग्स है, 50+ सॉन्ग्स है, और वो भी एकदम जबरदस्त सॉन्ग है, सब आपको मजा आएंगे ऐसे सॉन्ग्स है, ठीक है। लेटेस्ट सॉन्ग्स भी है, ओल्ड सॉन्ग्स भी है, वैलेंटाइन स्पेशल भी है, लव सॉन्ग भी है, और रेट्रो सॉन्ग भी बहुत सारे, मतलब ठीक है। बॉलीवुड सॉन्ग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेक कीजिए वहां पे। अब देखो रीड कैसे करना है उसको, ठीक है। हम एक हमारे चैनल का ही एग्जांपल लेते, एक ट्यूटोरियल का, दैट इज क्या मुझे प्यार है, ठीक है। बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग है, अभी भी चल रहा है, मतलब मस्त सॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए उसमें जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन, ठीक है, उसमें क्या एफ शार्प माइनर स्केल है उसका भी, ठीक है। तो उसका स्केल हमें पता है, अब प्ले करते हैं। तुम क्यू, अब देखो क्यू के ऊपर लिखा होगा एफ शार्प माइनर। आपको क्या करना है कि जो कॉर्ड है, राइट, एक लाइन में जो कॉर्ड लिखा, आपको 24 कॉर्ड्स प्ले करना आ गए। अब क्या करना है, आपको एक लाइन रीड करनी है जो हमारे ट्यूटोरियल्स में होती है, उस लाइन को रीड करना है, मतलब लिरिक्स की लाइन को, उसके ऊपर कॉर्ड लिखा होगा। अब आपको चेक करना है कि वो कॉर्ड कौन से वर्ड पे है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जो लाइन डिस्प्ले हो रही है, तुम क्यू, राइट, क्यू के ऊपर कॉर्ड है, ठीक है। अब क्यू के ऊपर एफ शार्प माइनर कॉर्ड है, और क्यू के लिए हमने नोट्स कौन से यूज किए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड पे कॉर्ड प्ले करना है, कौन से नोट पे प्ले करना है। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लाइन कौन सी है, लाइन के ऊपर कॉर्ड कौन सा है, कॉर्ड कौन से वर्ड पे है, और वर्ड्स के लिए नोट्स क्या यूज किए। रिवर्स करके देखिए, मुझे पता है आपको एक बार में याद नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हम इतना ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो तुम क्यू, अब देखो क्यू के लिए हमने सी शार्प यूज किया, क्यू के ऊपर कॉर्ड है, क्यू के लिए नोट सी शार्प यूज किया, तो ये सी शार्प और एफ शार्प माइनर कॉर्ड साथ में प्ले करना है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन हो गया। तुम क्यू, फिर देख नेक्स्ट कॉर्ड कहाँ पे, चले या ते, आ ते, ठीक है। अब आते में जो पीछे का ते है उसके ऊपर कॉर्ड लिखा है, ठीक है, आपको ऐसे अच्छे से देखना है, ठीक है, चले आ ते हो। अब आते के लिए हमने कौन सा नोट यूज किया, देखते हैं, तुम क्यू चले आते, आते के लिए आते, ठीक है। यहाँ पे बी है, ते के लिए बी आया, तो हम यहाँ पे दूसरा कॉर्ड यूज करेंगे, कौन सा कॉर्ड लिखा है, देखिए कौन सा कॉर्ड है, ई कॉर्ड है, ठीक है। तो तुम क्यू आते हो, ठीक है, आते पे कॉर्ड प्ले किया। ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट करके प्ले करना है, जितने ज्यादा सॉन्ग्स आप करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा, जितने ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। ये पियानो की फील्ड में ऐसा ही है कि जितना आप ज्यादा करोगे, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा देर प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे और बेटर होते जाओगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल्स उसके साथ कॉर्ड, फिर हमने दूसरी एक्सरसाइज देखी स्केल की है, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2
और साथ में सॉन्ग सीखने, आपको दो तीन सॉन्ग सीखने, तो इतना ही तीन लेसन है आपके लिए। आप आई होप इसको फॉलो कर रहे हो, और इसको फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेटर है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और नहीं कर रहे हो तो फिर लास्ट में ऐसा ही होगा कि अभी भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। डिलैन की प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग। So hello everyone, myself Jash Kurawala from Pick Series and welcome to the 7th lesson of free course by Pick Series। यहाँ पे हम जानेंगे कैसे हम RPGs को प्ले करते हैं, कुछ बेसिक RPGs देखेंगे और लास्ट में मैं कुछ सॉन्ग्स के साथ भी आपको सिखाऊंगा कि सॉन्ग्स के साथ RPGs को कैसे प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। ओके, सो अब आरपीजी सीखने के लिए देखो दो कनेक्टेड लेसन है इससे, मतलब आपको सबसे पहले तो कॉर्ड्स आने चाहिए प्ले करने, वो तो मतलब आपको इतना तो पता ही होगा कि आरपीजी प्ले करने तो उसके लिए कॉर्ड्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लेसन में और भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेट इज सेकेंड लेसन। हमने सेकेंड लेसन जो बेसिक एक्सरसाइज वाले लेसन दिखे थे उसमें मैंने आपको तीन एक्सरसाइज दी थी, अब वही एक्सरसाइज को हम आरपीजी के साथ सिंक करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको सेकेंड लेसन भी देखना पड़ेगा और जो हमारा बेसिक हाउ टू प्ले कॉर्ड्स जिसमें मैंने सारे कॉर्ड्स प्ले करना सीखा है, डेट इज जो हमने जो मेथड से किया था वो। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक बार हम देख लेते हैं हमने पिछले लेसन में क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले लेसन में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपको दोनों हाथ से कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, उसमें मैंने हमने देखा था दो एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली थी ये वाली फर्स्ट थी और सेकेंड थी, और फिर दूसरे कॉर्ड्स पे करना था ऐसे। ये हमने दो एक्सरसाइज देखी थी कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हम आरपीजीज का कोऑर्डिनेशन सीखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो दो लेसन पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब पहले सीख लेते हैं लेफ्ट हैंड में कैसे प्ले करना है, देन राइट हैंड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, राइट हैंड में बहुत ही सिंपल है, हमने जो तीन एक्सरसाइज देखी थी वही प्ले करनी है। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड में क्या प्ले करना है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड में सबसे पहले हमारा कॉर्ड होता है, कोई भी कॉर्ड है, सी कॉर्ड है, डी कॉर्ड है। ठीक है, हमने अभी तक तीन वाले कॉर्ड सीखे, एक्सटेंडेड कॉर्ड कभी और सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सी कॉर्ड, एक दो तीन नोट। ठीक है, अब क्या करना है, उसके लिए फिंगर कौन से यूज किए, मतलब 1 2 3 4 5 होता है, तो इसमें 5 5 3 1 5 3 1। अब क्या करना है, कॉर्ड को पूरा साथ में प्ले नहीं करना है, कॉर्ड को ब्रेक डाउन कर लेना है, मतलब वन नोट एट अ टाइम। ठीक है, एक नोट एक ही बार में, राइट, मतलब सी E, G, ठीक है, ये तीन को ऐसे किया। अब क्या करना है, अब पैटर्न यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, आपको देखने को मिलेगी। देखो, अब नोट डाउन, अब मैंने नोट्स लिखे हुए कि कौन से नोट्स में प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब टोटल हम 8 नोट्स प्ले करेंगे सिंपल। तो 1 2 3 4, अब 4 में फिर से पीछे आना है, 4 ये वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब फिर से 5 6 7 8, सिंपल, मतलब 1 2 3 4 को जो प्ले किया उसी को रिपीट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से स्लोली देखते हैं, मैं एक एक उंगली से दिखाता हूँ। ठीक है, 1, आप सिर्फ नोट्स देख लीजिए कौन से नोट्स प्ले कर रहा हूँ, कैसे प्ले कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे जाना है पीछे आना है, आगे जाना है पीछे आना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कोई भी एक कॉर्ड का, अब ऐसे ही सारे कॉर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया सी, ये हो गया जी, जी में भी सेम जी कॉर्ड है, 1 नोट 3rd नोट एंड 5th नोट, मतलब 1st 3rd एंड 5th नोट, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे प्ले करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए आपको कॉर्ड्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, मतलब कॉर्ड्स के बिना तो आप आरपीजी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉर्ड्स तो आई होप आपको आते ही होंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरे कोई आप सारे कॉर्ड्स पे इसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे 8 नोट्स हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड का पार्ट साइड पे, मतलब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब राइट हैंड में क्या प्ले करना है, अब देखिए राइट हैंड में सबसे, मतलब मैंने सेकेंड लेसन में, सबसे पहले वाले लेसन में बताया था सेकेंड लेसन में हमारे, कि हमें कौन सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज ये थी, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, वो सब फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी,
आपको अभी भी कह रहा हूं, अगर नहीं देखा हो तो जाके पहले सेकंड लेसन देखिए, यही प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सेकंड लेसन जो है उसको चेक कीजिए। फिर सेकंड एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे नोट्स डिस्प्ले नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ एक्सरसाइज वन वन और टू मतलब ऐसा डिस्प्ले किया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब ये सब फिर से डिस्प्ले करना, उससे अच्छा आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर से और एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन क्या है कि तीनों के तीनों एक्सरसाइज में राइट हैंड में एक टाइम पे 80 नोट्स प्ले करने, 8, और यहाँ पे भी 8 नोट, सिंपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, अब दोनों को साथ में चलाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 नोट, यहाँ पे भी 8 नोट, अब दोनों को मिला देना है, सिंपल। देखो अब मैं स्लोली प्ले करके बताता हूँ, 1 2 3, अब यहाँ पे पीछे जाना है लेकिन यहाँ पे आगे जाना है, 4 5, अब लेफ्ट हैंड में आगे जा रहे हैं लेकिन राइट हैंड में पीछे आ रहे, 6 7 8, सिंपल। देखो और स्लोली जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना जब तक आपका ये कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सिर्फ दोनों को साथ में प्ले करना है, मतलब यहाँ पे भी 1 नोट होगा, यहाँ पे भी 1 नोट होगा, ठीक है। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट हैंड में क्या किया, पहले सी प्ले किया, फिर पूरा ये फिंगर पोजीशन उठा के यहां रख दी, डी माइनर। अब डी माइनर भी आपको प्ले करना था, कॉर्ड सीखा होगा, फिर ई माइनर, फिर एफ, फिर जी, फिर ए माइनर, फिर बी डिमिनिश, मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ ये तीन नोट प्ले करने हैं व्हाइट में, एक व्हाइट नोट, फिर एक व्हाइट नोट छोड़ के दूसरा व्हाइट नोट, फिर एक व्हाइट नोट छोड़ के दूसरा व्हाइट नोट, ऐसे मतलब यहां जैसे यहां पे आगे बढ़ेंगे वैसे कॉर्ड में भी एक एक आगे बढ़ना है। देखो फिर से, अब यहाँ पे डी से स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी डी से स्टार्ट करेंगे, एक व्हाइट नोट छोड़ के एक, एक व्हाइट नोट छोड़ के एक, एक भी ब्लैक कीज यूज नहीं करनी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज आपको पता थी कैसे प्ले करनी है, देखो ठीक है, ये वाले यहाँ पे भी देखो नोटिस करो, 8 ही नोट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे भी हमने आरपेजियो सीखा जो बेसिक वाला, यही तीनों दिन एक्सरसाइज पे अप्लाई करना है। यहाँ पे भी 8 नोट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट होगी क्योंकि यहाँ पे एक हाथ में आगे जा रहे तो एक हाथ में पीछे आ रहे, यहाँ पे राइट हैंड में आगे जा रहे तो लेफ्ट में पीछे जा रहे, तो ये आपके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, और ये चीज अगर आपने पक्की कर ली तो आप सॉन्ग्स को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे बढ़ेंगे सेम, यहाँ पे भी डी से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड में भी डी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे और बढ़ेंगे और एक बार और लास्ट बार, ठीक है। मतलब देखो ये चीज सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है कि मतलब आपने सारे लेसन फॉलो किए हो, राइट। अगर आपने फॉलो नहीं किया और आप डायरेक्ट ये वाला सीखने की ट्राई कर रहे हो, मतलब आपने सॉन्ग्स अभी तक आपने अच्छे से सॉन्ग्स प्ले नहीं किए, अभी तक आपने मेजर स्केल नहीं किए, माइनर स्केल नहीं किया, फिर कॉर्ड्स नहीं किया, दोनों आपका कोऑर्डिनेशन का नहीं देखा, तो ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये फैक्ट चीज है, मतलब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये फैक्ट है कि आपको नहीं आएगा, मतलब आपने अगर कॉर्ड्स नहीं किए, एक्सरसाइज नहीं किए, तो उसके लिए ये सब देखिए, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आपको आसानी से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में नोट्स थे, ठीक है, यहाँ पे भी प्ले कर सकते हो, मतलब ऐसे भी प्ले कर सकते हो और एक एक ऑक्टेव छोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल यही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नोट्स है और यहाँ पे भी 8 नोट्स है, तो देखो अभी यहाँ से देख लेते एक बार, ऑक्टेव मतलब नजदीक आपको अच्छा रहेगा, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ेंगे डी से 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारा 4 का आरपीजी हो गया, मतलब 4x4 बीट का। अब एक एग्जांपल लेके प्ले करते, ठीक है। अब देखिए, मैं सपोज करता हूँ हमारे चैनल का एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मुझे प्यार है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ सारे लेसन में। कॉर्ड में भी हमने देखा, अब आरपीजी उसका भी देख लेते हैं। एफ शार्प माइनर से अब क्या करना है आपको, आरपीजी उसकी प्रैक्टिस हो गई, मतलब दोनों इनका कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे अलग चलेगा, यहाँ पे अलग चलेगा, ये चीज की प्रैक्टिस हो गई, तो आप सॉन्ग्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सॉन्ग्स को भी ऐसे ही करना है, ये कंटिन्यू रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे सॉन्ग प्ले करना है। देखो राइट, मतलब ऐसे आप 4 बिट के सॉन्ग पे अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये तो था बेसिक आरपेजियो 4 बिट का। अब एक सिंपल होता है बेसिक आरपेजियो 3 बिट्स का। ठीक है, अब मतलब हमने आपने देखा होगा, सुना होगा कोई सॉन्ग्स 3 बिट्स के होते हैं, मतलब ये था 1 2 3 4 1 2 3 4, अब होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, उसमें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज करनी है। क्या करना है, सी को प्ले करना है पहले, कॉर्ड ही हमारा कॉर्ड तो सी है ये वाला, अब ये प्ले करना है और ये दोनों को साथ में प्ले करना है, फर्स्ट नोट अकेला, दूसरे दो नोट्स साथ में। अब इसके नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, मतलब ये वाला जो दो नोट साथ में प्ले कर रहा है उसको 2 टाइम्स प्ले करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सिंपल। अब इसको भी आपको सारे कॉर्ड्स पर प्रैक्टिस करना है, और इसकी फिंगर एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट होगी, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो पहले राइट हैंड में क्या प्ले करना है, सी डी ई डी ई एफ ई एफ जी एफ ई एफ जी ए जी ए बी ए बी सी, राइट, ये हो गया राइट हैंड के नोट्स। देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एक बार स्लोली देख लेते, एक बार ठीक है, सिंपल। अब इसको सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 नोट और यहाँ पे भी 3 बार, 3 काउंटिंग 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 बार काउंटिंग 1 2 3 1 2 3। अब क्या करना है, 1 2 3, अब आगे बढ़ना है, यहाँ पे डी ई एफ करना है और यहाँ पे डी माइनर का 1 2 3 1 2 3, जितना जा सकता है आगे आप जाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 का आरपेजियोस, मतलब ये हमारे एकदम बेसिक आरपेजियोस है। मैं एडवांस आरपेजियोस भी आपको सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में एडवांस आरपेजियोस सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये आरपेजियोस अच्छे से आएंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा फिर आप ये वाले बड़े वाले आरपेजियो प्ले करोगे ना। मतलब ये वाला आरपेजियो तभी प्ले कर पाओगे। ठीक है, और फ्री स्टाइल भी सीखेंगे हम। ये वाले फ्री स्टाइल के आरपेजियो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो एडवांस में होगा, आपको बेसिक में ये चीज फॉलो करनी है, 3 एक्सरसाइज में और 3 के ये आपको करना है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका एक सॉन्ग के साथ एग्जांपल लेते हैं, दैट इज आप लग जा गले भी कर सकते हो और दिल भर मेरे भी कर सकते हो, हम दिल भर मेरे से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब मतलब ऐसे इसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो आरपेजियोस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आपको मजा आया हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए पिक्सरीज को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये सारी चीज आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, उसके लिए सिर्फ यहाँ पे ये नंबर पर टेक्स्ट कीजिए 9106723893। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। So hello everyone, myself Jish Kutala from PicSeries and welcome to the 8th lesson of free course by PicSeries. आज हम सीखेंगे कुछ advanced RPGs और उसके साथ साथ कुछ मतलब advanced RPGs के मैं 4 pattern आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए important क्या है, सब lessons आपने देखे होने चाहिए, क्योंकि ये advanced RPG है, मतलब कि ये almost last lesson है हमारा, तो
ये आपको आने के लिए पिछले वाले लेसन्स देखना जरूरी है। तो पूरी प्लेलिस्ट के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो मेक श्योर यू चेक दैट। सो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पिछले लेसन का रिवीजन कर लेते। तो पिछले लेसन में हमने दो आरपेजियो सीखे थे, बेसिक वाले, दैट इज फर्स्ट वन इज ये वाला, और इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज देखी थी, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, सेकेंड, थर्ड वन, और एक दूसरा आरपेजियो सीखा था, दैट इज, और इसके ऊपर एक एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये था, अब मूव करते हैं आज के लेसन पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आरपेजियोस। देखो, अब आरपेजियोस एक टॉपिक ऐसा है कि उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर चार या पांच आरपेजियोस एडवांस वाले आपने सीख लिए तो पूरा पियानो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आरपेजियोस हर एक आर्टिस्ट डिफरेंट प्ले करता है, मैं कुछ डिफरेंट प्ले करूंगा, आप कुछ डिफरेंट प्ले करते हो, और कोई दूसरा आर्टिस्ट कुछ डिफरेंट प्ले करता है। ठीक है, मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ साथ में बीट पर डिपेंड करता है, मतलब सॉन्ग में कौन से टाइप की बीट चल रही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मतलब एडवांस वाले चार पांच पैटर्न सिखाऊंगा आज, उससे आपको एक आइडिया आएगा, मतलब वो तो आप यूज कर ही सकते हो सॉन्ग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही करना है, राइट। पियानो बहुत बड़ा है, मतलब मैंने भी जब सीखना स्टार्ट किया था तब मैंने तो सिर्फ कॉर्ड्स तक ही सीखा था कि कॉर्ड्स कैसे प्ले करते, और उसके बाद खुद सीखते सीखते आज आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पियानो में इतना सीख लिया मतलब सीखना खत्म हो गया, लर्निंग खत्म हो गया, अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी कोई नई चीज़ आ जाए तो मैं भी उसे अपने स्किल्स में इंप्लीमेंट करता हूँ अपने पियानो में। तो ऐसे ही आरपेजियोस भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो में पूरा कवर करके बता दूँ, मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि इसके बाद आप अपने आरपेजियोस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आरपेजियोस से पहले हम एक्सटेंडेड कॉर्ड सीख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो आरपेजियो सिखाऊंगा उसके लिए। अब देख लेते हैं, ये हमारा सी कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कोई भी बेसिक जो कॉर्ड होता है हमारा, उसमें हमें कॉर्ड की मिडिल वाली जो की होती है उसको उठा लेना है, राइट। मतलब कौन सी हो गई, सी और जी। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सी है उसको फिर से यहां पे प्रेस करना है, मतलब सी जी और फिर से फर्स्ट नोट लेकिन हायर ऑक्टेव पे। ठीक है, ये पूरे यो वाली फिंगर रखनी है हमें, 5 2 1। ठीक है, अब ऐसे, मतलब ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे ओपन रखना है। ठीक है, ये वाला पोजीशन रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया एक्सटेंडेड कॉर्ड। अब ऐसे आप सारे कॉर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हो, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो नोट्स डिस्प्ले हो रहा है उसमें सी जी सी लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है सी जी सी, सी जी और हायर ऑक्टेव का सी। ठीक है, तो अब दूसरा एक कॉर्ड देख लेते हैं, शार्प वाला देख लेते हैं। चलिए, हम ले लेते सी शार्प। सी शार्प बेसिक कॉर्ड हमें आता है, ठीक है, उसकी मिडिल फिंगर उठा ली और यही नोट हमने आगे प्रेस कर दिया, तो यो वाली फिंगर हो गया सी शार्प। अब यहां पे सी शार्प और सी शार्प माइनर दोनों के लिए यही एक्सटेंडेड कॉर्ड होगा। ठीक है, सी शार्प मेजर भी यही होगा, सी शार्प माइनर भी यही होगा, और यहां पे क्योंकि सी माइनर में भी ऐसा ही होता है, देखो ये कॉर्ड है सी माइनर, तो यहां पे मिडिल वाली की उठा के फिर से ये वाला। ठीक है, तो यही सी मेजर है और यही सी माइनर है। ठीक है, तो ये सीख लिया, अब आरपेजियो की फर्स्ट पैटर्न सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो कॉर्ड प्ले किया एक्सटेंडेड उसको ब्रेक डाउन करना है, कैसे, 1 2 3 4 इतना सीख लिया पहले। अब क्या करना है, यहां पे ई प्रेस करना है, यहां पे हमने जो छोड़ दिया था ये वाली की, मिडिल वाली की एक्सटेंडेड कॉर्ड में जो हमने लीव कर दी थी उसको हायर ऑक्टेव पे प्ले करना है। ठीक है, मतलब कॉर्ड की मिडिल वाली, ऐसा नहीं है कि हम सी पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कॉर्ड की मिडिल वाली की है, राइट, इसलिए। तो 1 2 3 4 अब क्या करना है, ई आपको थंब से प्रेस करना है, लेकिन यहां पे ये वाली की, ये वाली जो फिंगर है लिटिल फिंगर, उसको उठा लेना है। ठीक है, तो फिर ये आगे लेके जाना, नहीं तो आप ऐसे पकड़ के रखोगे तो आगे जा ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो भी बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, हर बार सस्टेन नहीं कर पाओगे ये चीज को। ठीक है, तो ई, फिर से जी, फिर ये वाला ऐसे। ठीक है, तो ये क्या देख लिया हमने, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि यही चीज आपको सारे कॉर्ड्स में अप्लाई करनी है। ठीक है, हमने देखा था डी कॉर्ड में, हमने पिछले बार बेसिक आरपेजियो में क्या किया था,
ठीक है, ऐसा किया था और सारे कॉर्ड्स में अप्लाई करते गए थे, वैसे ही इसको भी करना है। अब वैसे ही दूसरे कॉर्ड पे देख लेते हैं, सी शार्प पे देख लेते हैं, ये वाली पैटर्न देखो क्या करना है, फर्स्ट नोट मतलब ये कॉर्ड का थर्ड नोट और ये फिर से यही नोट आगे प्ले किया, तो 1 2 3 4। अब ये हमने लीव किया था, सी शार्प मेजर प्ले कर रहे तो ये हमने लीव किया था, तो इसको यहां पे प्ले करना है, तो ये प्ले किया। अब यहां पे आपने पकड़ के रखा है तो आप जा ही नहीं पाओगे एफ तक, इसको उठाना है यहां से और एफ पे लेके जाना है, फिर से वही जी शार्प प्ले करना है, फिर तो हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अरपेज। अब देखो मैं इसको स्मूथली ऐसे प्ले करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारे आर्पेजियोस। अब मतलब ये वाला फर्स्ट पैटर्न था, अब फर्स्ट पैटर्न किस पे कौन से सॉन्ग पे सूट करेगा। ठीक है, अब ये वाली बीट सुनिए, ठीक है, तो ये वाली आपने बीट सुनी, इसमें कैसा था, किक स्नेर किक स्नेर किक स्नेर किक स्नेर, ठीक है, तो ये 4x4 का बीट है। ठीक है, तो इस पे आप आंख बंद करके ये वाला आरपेजियो यूज कर सकते हो, सूट करेगा ही करेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो ये टाइप की बीट है, अब इसमें टेम्पो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे टाइप के बीट पे आप ये वाला आरपेजियो डेफिनेटली प्ले कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हमारा फेवरेट सॉन्ग सबसे, सो देखिए, ठीक है, मैं ये आरपेजियो प्ले कर रहा हूँ और इसके साथ सॉन्ग को सिंक कर दिया, और सिंकिंग कैसे करना है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में आसानी से सिखाया है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे इसके साथ प्ले कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं आरपेजियो की सेकंड पैटर्न पे। ठीक है, तो सेकंड पैटर्न मूव करने से पहले सबसे पहले मीन्स कि आपको एक बात बता दूं कि ये कोर्स की सबसे खास बात पता है क्या है, कि ये कोर्स को बनाने में शूटिंग में जितना टाइम नहीं लगा, जो हम अभी कर रहे हैं शूटिंग में जितना टाइम नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम इसके पोस्ट प्रोसेसिंग में लगता है। मतलब रात रात बैठ के वीडियोज़ को डिज़ाइन करते हैं हम, मतलब एक एक प्रॉपरली सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करना, और इसके लिए इतनी मेहनत लगती है, इतनी स्लीपलेस नाइट है, तो मतलब ये सारी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, राइट right? और चाहते हम तो इसका हम 2000 to 3000 रुपीस चार्ज कर सकते थे, एंड पीपल वुड लव टू गिव अस दैट अमाउंट, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक आपको यूट्यूब पे आज की डेट में कहीं पे नहीं मिलेगा। हो सकते आगे आ जाए, लेकिन आज की डेट में तो इतना सिस्टमेटिक आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, एंड हम इजीली मनी अर्न कर सकते थे इससे ये सीरीज बना के, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने पूरी सीरीज ये फ्री में अपलोड की है आपको, आपके लिए फ्री में। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत रंग लाई है। तो यार आपको पसंद आ रहा हो तो यार आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ को डिज़ाइन करने में, आप देख रहे हो इतना सिस्टमेटिक ईजी नहीं है, शूटिंग का सेटअप और बहुत सारी मेहनत है इसमें। ठीक है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर देना सिर्फ। ठीक है, तो अब मूव करते हैं सेकेंड आरपीजीओ पे। अब सेकेंड आरपीजीओ में भी सेम चीज़ है, एक्सटेंडेड कॉर्ड यूज करना है और उसके ऊपर ही हमें पैटर्न बनानी है। ठीक है, और ये वाला जो मतलब ये वाला जो बीट है वो हमारे थोड़ी अपबीट ग्रूव होगी। ठीक है, ग्रूव मतलब बीट। ठीक है, तो अब देखो मैं प्ले करके बताता हूँ। ठीक है, ये वाला अब क्या किया मैंने, एक्सटेंडेड कॉर्ड प्ले किया, उसमें फर्स्ट नोट और ये दूसरे दो नोट। ठीक है, अब क्या करना है, इसको वो वाली फील देनी है, मतलब कि टाइमिंग अच्छे से याद रखना है इसका। ठीक है, सी। ठीक है, अब देखो नोट्स में आपको समझ नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि इसके जो नोट्स है वो कुछ मतलब लिखे वैसा प्ले कर दो कि समझ नहीं आएगा, इसका टाइमिंग ही थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, देख के ही आपको ये अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने क्या किया, फर्स्ट नोट और लास्ट के दो नोट, और याद रखना है कि ये जो लास्ट के जो दो नोट हैं वो साथ में प्ले होने चाहिए पूरे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ में।
ठीक है। तो अब ये वाला कौन सी बीट पे सूट करेगा, अब इसके लिए ये बीट सुनिए। ठीक है, तो ये वाले बीट सुनिए अपने, किक स्नर मतलब ऐसा इस टाइप की कुछ अपबीट हो रही है, मतलब इसके आप इसमें आपको बहुत ही ऐसे डांसिंग वाइब और हैप्पी वाइब्स आएंगे मतलब ये वाले बीट से। ठीक है, तो ये वाले बीट पे सूट करेगा कौन सा सॉन्ग, हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आप गुलाबी आंखें का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मतलब ये टाइप की बीट पे ये वाले आरपेजियो सूट करेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाले बीट पे सूट करेगा। ठीक है, अब आप इसमें फर्स्ट वाला आरपेजियो भी यूज कर सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो आरपेजियो है वो 4x4 का है, मतलब 4 की जितनी भी बीट होगी 1 2 3 4 उसमें आप फर्स्ट वाला आरपेजियो यूज कर सकते हो। सिर्फ सॉन्ग का जॉनर चेंज हो जाएगा, सॉन्ग की थोड़ी फील चेंज हो जाएगी इससे। ठीक है, ये वाला देखो मैं पहले फर्स्ट वाला सुना, सेकंड वाला आरपेजियो प्ले करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट वाला आरपेजियो प्ले करेंगे एक ही सॉन्ग पे। ठीक है, देखो ठीक है, दोनों की फील डिफरेंट हो गई, ऐसे ही आप यूज कर सकते हो, लेकिन फील चेंज हो जाएगी थोड़ी सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड आरपेजियो। अब मूव करते हैं थर्ड आरपेजियो पे। अब थर्ड पहले मैं प्ले करता हूं। ठीक है, ये वाला अब ये कौन सी बीट पे सूट करेगा हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको सीख लेते हैं। ठीक है, सी से देखेंगे क्या करना है। पहला नोट प्ले करना है एक्सटेंडेड कॉर्ड का, फिर ये जी सी को दो बार प्ले करना साथ में। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां पे सी प्ले किया हमने एक्सटेंडेड कॉर्ड के हायर ऑक्टेव पे आए। ठीक है, और पूरा सी प्ले किया और फिर से वही जी सी। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो सी है वो यहां पे हायर ऑक्टेव पे प्ले करना है, ऐसा नहीं करना है, सूट नहीं करेगा। और देखो आरपेजियोस में आपने एक चीज अगर नोटिस की हो तो जितने भी मैंने आरपेजियोस प्ले किए वो मैंने बेसिक तीन नोट को यूज करके ही प्ले किए, कोई भी कॉर्ड के, मतलब सी ई और जी। ठीक है, ये तीन नोट है हमारे, ये 1 2 3। अब इन्हीं को थोड़ा हायर ऑक्टेव में प्ले किया, किसी को लोअर ऑक्टेव में प्ले किया, किसी को और आगे ऑक्टेव में प्ले किया। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप इन तीन नोट्स को यूज करके आरपेजियो को बिल्ड करते हो। ठीक है, तो ये देख लिया, अब ये कौन से बीट पे सूट करेगा, ये वाले बीट सुनिए। ठीक है, तो ये वाली जो अपनी बीट सुनी उसके ऊपर ये वाला आरपेजियो सूट करेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर फर्स्ट दो आरपेजियो सूट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन फील चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला अब इसके ऊपर आप फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हो और सेकंड वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यही वाले आरपेजियो पे हम तीन आरपेजियो यूज कर यही वाले सॉन्ग पे तीन आरपेजियो को सेट करने की ट्राई करेंगे, लेकिन तीनों की फील डिफरेंट हो जाएगी। एक में अकोस्टिक हो जाएगा, एक में थोड़ा डांसिंग हो जाएगा और एक में ओरिजिनल फील रहेगी सॉन्ग की। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला अकोस्टिक, सेकेंड वाला डांसिंग वाला, अब तीसरे वाला ओरिजिनल फील। ठीक है, तो ये हो गए तीन आरपीजी हमारे। ऐसे ही आप सारे सॉन्ग्स के ऊपर कोई भी आरपेजियो यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी। ठीक है, अब
चाहते हैं फोर्थ वाले आरपेजियो पे। अब फोर्थ वाला आरपेजियो ऐसा है कि वो आप ये तीन पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीट के टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगी, उसमें थ्री बीट्स पे यूज करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखो मैं प्ले करके बताता हूं। पहले अब ये मैंने क्या प्ले किया, 1 2 3, फिर सी कॉर्ड, अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब फोर वाला जो मतलब बीट ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे फोर वाला जो पार्ट है 1 2 3 4, ये जो फोर वाला जो क्लिक है उसको हमें छोड़ देना है, उसके उसमें कुछ प्ले नहीं करना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 5 में हमने सी कॉर्ड प्ले किया हायर ऑक्टेव पे, और ये 6 पे फिर से जी सी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 पे कुछ नहीं, 1 2 3 4 blank 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस पे आप 3 बीट्स के आरपेजियो यूज कर सकते हो। देखो 3 बीट्स में कौन सा सॉन्ग आता है, लग जा गले हो गया, फिर दिलबर मेरे हो गया, ये टाइप के सॉन्ग, और कौन है जो सपनों में आया वो भी एक 3 टाइप का बीट है। ठीक है, तो अब इसको प्ले करेंगे, मतलब एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, मतलब आप ऐसे इसके ऊपर यूज कर सकते हो। और दूसरा एक एग्जांपल है दिलबर मेरे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप पहले तीन वाला आरपेजियो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फील डिफरेंट है, इसका बीट डिफरेंट है, और इसके ऊपर आप फोर वाले बीट के आरपेजियो सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे 4 के 4 आरपेजियोज की पैटर्न। अब आप इसको यूज करके मतलब इस टाइप की कुछ पैटर्न्स को यूज करके आप बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, और इनफैक्ट बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, और बहुत सारे मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने सारे सॉन्ग्स आप प्ले कर सकते हो इसके ऊपर। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसके जगह ये नोट प्ले करना है तो आप कर सकते हो, आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं। आफ्टर ऑल हमें सॉन्ग सुनना ही है, राइट? मतलब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तूने ये नोट क्यों प्ले किया है इसके जगह पे, तो हम थियरी में तो ये वाला सीखे थे तो ये वाला प्ले करना चाहिए था, ये वाला क्यों प्ले किया, ऐसा नहीं होता। सॉन्ग जो सुनने में अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है, हमें जो अच्छा लगेगा वही सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमें अपने ईयर पे ध्यान देना है, हमारे ईयर जो हमें कहे कि ये अच्छा लग रहा है तो आप प्ले कर सकते हो आरपेजियो उसमें। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो आपको, और कुछ मतलब ये सीरीज से आपको हेल्प हुई हो, तो मेक श्योर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमने जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं की है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सो हेलो एवरीवन, myself जिश कुटाला फ्रॉम पिक्सरीज, एंड आज का जो ये जो वीडियो का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि हर एक जो पियानो सीखना स्टार्ट करता है, कोई भी बंदा हो, कोई भी मतलब कोई भी हो, उसको चाहिए कि ये टॉपिक मैं जल्द से जल्द देखूँ और जल्द से जल्द मैं इसको कवर करूँ। तो आज का टॉपिक है कि कैसे आप सॉन्ग के नोट्स फाइंड करोगे अपने आप से विदाउट सीइंग एनी ट्यूटोरियल्स, राइट? तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। सो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, देखिए ये जो मतलब आज मैं जो चीज बताऊंगा उसमें मैं तो ये बता दूंगा, राइट? लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, राइट? मतलब जितना ज्यादा आप अच्छे से, जितने ज्यादा सॉन्ग की आप ट्राई करोगे, जितने ज्यादा सॉन्ग आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सॉन्ग को एक्सपीरियंस करोगे, राइट, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बेस बढ़ेगा और उतना अच्छे से फिर आप नोट्स फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए कि ये जो वीडियो को मतलब मैं जो सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो ट्रिक्स है, उस ट्रिक के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पे जो लिंक आ रही है उस पर पहले जाके मेजर स्केल एंड माइनर स्केल्स, ये दो लेसन को अच्छे से सीखिए पहले, और उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए पहले, क्योंकि आज जो मैं कराऊंगा वो सारा कनेक्टेड है किससे, मेजर स्केल से और माइनर स्केल से, राइट? मतलब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ ही है कि मेजर स्केल्स में वो आपको सॉन्ग के नोट्स फाइंड करने में हेल्प करेगा, और कॉर्ड्स का जो वीडियो भी वो जो वीडियो आएगा उसमें भी मेजर स्केल और माइनर स्केल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको।
ठीक है। तो सबसे पहले मेजर स्केल देखिए, माइनर स्केल देखिए, और सिर्फ देखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है, और अच्छे से सारे स्केल्स आपको पता होने चाहिए। अब सारे स्केल्स पता हो गए तो ही आप ये वीडियो को कनेक्ट कर पाओगे अपने आप से, राइट। मैं जो बताऊंगा उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आई होप मतलब आपने देख लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज की आप मेक श्योर आप पिक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नए नए अपडेट्स मिस ना करें, ठीक है। सॉन्ग मतलब इतने सारी चीजें मैं फ्री में दे रहा हूं, तो उसके बदले से एक ही चीज कह रहा हूं कि सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बस इतनी चीज करनी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कोई भी जो सॉन्ग हम सपोज करते हैं, कोई भी सॉन्ग हो, राइट, वो पर्टिकुलर एक स्केल में होता है, आपने ये चीज सुनी हुई है, राइट। अब एक स्केल में होता है उसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कोई सॉन्ग है वो डी स्केल में, राइट। तो डी स्केल के आपको नोट्स पता है, राइट। अब ये नोट्स पता है, ये मुझे ये मैंने कैसे किया, वो मैंने मेजर स्केल और माइनर स्केल में बताया हुआ है, और वो पूरी सीरीज आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर स्केल हो गया हमारा डी मेजर स्केल, कोई भी सॉन्ग है मेजर स्केल का सॉन्ग है और वो डी मेजर स्केल पे, तो उसके नोट्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेजर स्केल के नोट्स। अब ये मतलब सॉन्ग एक स्केल में होता है उसका मतलब क्या है कि सॉन्ग इन सुरों में है, मतलब ये जो जितने मैंने नोट्स प्ले किए अभी, राइट, ये नोट्स में पूरा सॉन्ग है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सॉन्ग डी स्केल में हो, सारे सॉन्ग कोई भी एक स्केल में हो। मैंने क्या कहा कि एक स्केल में सॉन्ग है मतलब वो स्केल में जितने नोट्स होते हैं, मतलब कोई भी सॉन्ग है पर्टिकुलर कोई भी एक स्केल में, डी स्केल ले लो, ए स्केल ले लो, एफ शार्प ले लो, डी शार्प ले लो, कोई भी ले लो, वो जो स्केल के नोट्स हैं वो पूरा सॉन्ग होगा, वो इन नोट्स में, इन नोट्स से मिलके बना होगा पूरा, ठीक है। चलिए तो हमको एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मतलब आपने इतनी सारी चीजें सुन ली कि कोई भी एक सॉन्ग जो होता है वो एक स्केल में होता है, और वो स्केल के जो नोट्स होते हैं जो कि मेजर स्केल माइनर स्केल में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी आपको। तो वो जो नोट्स होते हैं उसमें पूरा सॉन्ग बना होता है। चलिए हम एक एग्जांपल के तौर से एक सॉन्ग लेते हैं, मैं आपके सामने इसको इसके नोट्स फाइंड करूंगा ताकि आपको पता चले कि हमारा भी वर्क फ्लो क्या होता है एज अ पियानिस्ट, कोई कैसे नोट्स फाइंड करता है कोई एक सॉन्ग के, ठीक है। चलिए हम सॉन्ग लेते हैं पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, ठीक है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा। अब ये सॉन्ग जो है वो मेजर स्केल का सॉन्ग है, और ये सॉन्ग मेजर है या माइनर है वो हम दूसरे कोई लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सॉन्ग मेजर स्केल का है, ठीक है। अब मेजर स्केल का सॉन्ग है, अब यहाँ पे हम ओरिजिनल स्केल से नहीं कर रहे, क्योंकि देखो अभी कोई भी सॉन्ग हो आप उसे कोई भी की से प्ले कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल स्केल से ये प्ले होगा, मतलब कोई भी एक नोट है पर्टिकुलर वही नोट से प्ले होगा, ये जो 12 नोट्स है उसमें से कोई भी एक नोट से आप प्ले कर सकते हो, और वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं डी स्केल, बहुत ही सिंपल स्केल है, देखो डी स्केल है, आप देखिए हम कॉर्ड्स को नहीं करेंगे यहां पे, सिर्फ राइट हैंड से करेंगे, क्योंकि हमें पहले सिर्फ राइट हैंड से करना है, कॉर्ड्स कैसे निकाले वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स हो गए। अब ये जो नोट्स मैंने प्ले किए 7 नोट्स, ठीक है, अब उनमें से देख हमारे 12 नोट्स होते हैं, ठीक है, अब उसमें से 7 नोट हमने ले लिए कि 7 नोट में हमें बनाना है, ठीक है। तो 12-7 कितना हो गया, हमारे 5 नोट्स जो है वो एलिमिनेट हो गए, मतलब उनको हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये 7 नोट को यूज करके बनाना है सॉन्ग को। अब इतना नहीं है कि ये सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना ही, इतने ही नोट्स नहीं है, अब इसको लोअर ऑक्टेव में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डी चाहे यहां का हो, ये ऑक्टेव का हो, चाहे ये वाला ऑक्टेव का हो, चाहे ये वाले ऑक्टेव का हो, हम यूज कर सकते हैं। अब ई भी सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला ई यूज कर सकते हैं, हम ये वाला भी ई यूज कर सकते हैं और ये वाला भी, सेम गोज फॉर एफ शार्प। अब देखो जी, जी में भी सेम पीछे जा सकते हैं, मतलब अब ये लास्ट वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं सी शार्प, ठीक है। अब सी शार्प यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब हम डी के बाद पीछे जाना हो हमें तो हम जा सकते हैं, लेकिन नोट्स कौन से होने चाहिए, सी शार्प बी, क्योंकि यहाँ पे हम वो नोट्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोअर ऑक्टेव में भी यूज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा अगर आपने सीरीज फॉलो की होगी तो, कि कोई भी एक नोट होता है सारे कीबोर्ड में वो नोट्स सेम ही होता है, मतलब सी शार्प यहाँ प्ले करो, यहाँ प्ले करो, यहाँ या यहाँ कहीं पे भी प्ले करो, वो सेम ही साउंड होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी हाई या लो होती है, ठीक है। तो अब चलिए हमारा पैड पे देखते हैं हम,
अब हमें स्टार्ट करना है आपको सॉन्ग की। सबसे पहले इसका भी एक क्राइटेरिया है कि आपको सॉन्ग सिंग करना आना चाहिए, राइट। अब आपको आपने सॉन्ग सुना ही नहीं होगा तो आप उसके नोट्स फाइंड नहीं कर पाओगे, आपको सॉन्ग याद ही नहीं होगा, आपको उसकी ट्यून ही याद नहीं होगी, राइट। उसको हम मेलोडी कहते हैं, उसकी ट्यून ही याद नहीं होगी तो आप कैसे प्ले कर पाओगे, राइट। अब ये सॉन्ग का हमें ट्यून पता है, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, राइट। अब ये जो लाइन है उसका हमें पहले हमिंग करना है, तो कैसे होगा, अब इतना ही करेंगे पहले, राइट। अब ये हमिंग हो गया, अब इससे आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि इसको ये पियानो पे कैसे साउंड करेगा, ठीक है। अब देखो ये पियानो पे ऐसा साउंड करेगा, टन 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 टन। देखिए अगर आप पियानो नहीं देखते हो तो आपको बहुत फनी लग रहा होगा, लेकिन एज अ पियानिस्ट हमें ये चीज दिमाग में चलानी पड़ेगी, ठीक है। क्या है, टन 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 टन, राइट। अब इतना प्ले करना है हमें, हम स्टार्ट करते हैं, राइट। अब प्ले नहीं हो रहा है तो हमें दूसरा नोट पे जाना है, लेकिन वो नोट डी का ही होना चाहिए, डी स्केल का ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं और, लेकिन हम क्या करना है, पहली, राइट, हाई है थोड़ा तो और जाएंगे आगे, ये नहीं हो रहा है तो ये वाला ट्राई करेंगे, पहली, राइट, थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपको, मतलब ये चीज भी कैसे आएगी, जैसे आपके ईयर ट्रेन होंगे। अब इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है कि ईयर ट्रेनिंग के लिए मैं कोई पर्टिकुलर एक ट्रिक बता दूं और वो करने से आपके ईयर ट्रेन हो जाएंगे, ये पूरा एक एक्सपीरियंस का खेल है, राइट। अब जितना ज्यादा प्ले करोगे, जितने ज्यादा साल का आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा टाइम आप पियानो प्ले करोगे उससे आपके ईयर्स ट्रेन होंगे, राइट। अब आप ऐसा सोचोगे कि मैं ये जो वीडियो है उसमें मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप डायरेक्ट तुरंत प्ले करने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं जो है आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये चीज को, आपको मेजर स्केल्स माइनर स्केल्स इतने पक्के होने चाहिए कि आपको उसके साउंड्स पता हो, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। अब देखते हैं, पहली फिर नजर में, अब पीछे जा रहे, राइट, आपको पता चलेगा, राइट। अब हाई होता तो ये हाई जा रहा है, लेकिन हम लो आ रहे, टन 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 टन, राइट। तो पहली न, अब देखो आपको जो प्ले कर रहे उसके साथ आपको वर्ड्स को बिठाने की ट्राई करनी है, अगर बैठ रहे तो आपका राइट है, पहली नजर में, राइट, मतलब ये जम नहीं रहा है इतना। अब और एक पीछे जाते हैं, पहली न, राइट, ये सेट हो रहा है, पहली न फिर जर में, ये थोड़ा हाई है, पहली न जर में, राइट, ये हमारी पहली लाइन बैठ गई। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा सॉन्ग्स प्रैक्टिस करोगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मतलब आपको ये सीखना है तो उसके पहले आप मिनिमम 20 सॉन्ग सीख लो, 20 सॉन्ग्स आप सीख लो तो आपका एक फ्लो बन जाएगा उससे, ठीक है, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉन्ग बनते हैं और कैसे उसको प्ले करते हैं, राइट। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज्यादा सॉन्ग्स करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पहली नजर में फिर ऐसा जादू कर दिया, ऐसा, अब और नीचे जा रहे, नजर में ऐसा, अब और नीचे जाएंगे, राइट, ये नोट सेट नहीं हो रहा लेकिन ये हो रहा है, राइट, आपको प्ले करके देखना है, पहली नजर में फिर ऊपर देखते ये वाला, क्योंकि देखो सी शार्प यहाँ पे भी यूज किया है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा फिर जादू, अब ये थोड़ा हाई हो गया तो जाएंगे, जादू नहीं हो रहा है, जा दू, अब जा तो सेट हो गया, दू सेट नहीं हुआ, राइट। तो पहली नजर में ऐसा जा दू दू, राइट, ये हुआ, कर दिया, कर नहीं हो रहा है, कर दी या, राइट, हाई, कर दी या, ये सेट नहीं हो रहा है, तो आपको ये चीज करनी है कि डी स्केल के ही करने, राइट, आपको सेवन नोट्स में ट्राई करना है, जा, सॉरी, कर दी या, अब ये लास्ट नोट सेट नहीं हो रहा तो हम और एक ट्राई करेंगे, राइट। तो ऐसे आप एक सॉन्ग को बनाने की ट्राई करते हो, ठीक है। अब देखो ये मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं आपको, लेकिन ये चीज करनी आपको है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको स्केल्स आने चाहिए,
साथ साथ में आपका सॉन्ग बेस पक्का होना चाहिए कि आपको सॉन्ग्स प्ले करना अच्छे से आना चाहिए, और साथ साथ में सुनने की आपको प्रैक्टिस अभी से कर देनी है कि आप जब सिंग कर रहे हो तब आपको एक आइडिया बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि ये सुर हाई जा रहा है, ये सुर लो जा रहा है, ये सुर एक ही जगह पे घूम रहा है, राइट। अब चलो ये सॉन्ग तो हमने देख लिया, इसकी एक लाइन आप खुद इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब यही चीज़ को हम दूसरे स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे नोटिस किया होगा हमने 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इतने नोट्स यूज किए, पीछे के 3 और पहले के 3, राइट। अब इसको आगे देखते हैं, एफ शार्प से करके देखते हैं। तो वैसे ही 1 2 3 ये नोट और पीछे के फिर एफ डी शार्प और सी, ठीक है। पहली नजर में, ठीक है, नोट हाई हो गया मेरा। पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, राइट। मतलब ए शार्प से भी प्ले कर सकते हो, एफ शार्प से भी स्टार्ट कर सकते हो, अब डी से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो कैसे होगा, अब डी से स्टार्ट करने के लिए हमारा स्केल होगा ए शार्प, ठीक है। देखो मैंने भी जब सॉन्ग खुद फाइंड करना स्टार्ट किया था तब एक सॉन्ग बनाने में मुझे 2 दिन लगते थे, 3 दिन लगते थे, कभी कभी तो एक एक हफ्ता निकल जाता था, एक एक मतलब एक म्यूजिक का पार्ट बनाने के लिए इतना टाइम निकलता था, राइट। लेकिन अब कैसे आए, अब मैं ऑन द स्पॉट प्ले कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीज कैसे आई, जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पास पेशेंस था कि मुझे पता है कि नहीं मुझे टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, और आपको भी नोट्स फाइंड करने में टाइम लगेगा। पहले अगर 10 दिन में निकल जाए तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, राइट। होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, लेकिन हमें क्या रखना याद कि कोई बात नहीं हो रहा है फिर से ट्राई करेंगे। ये सॉन्ग में कंटाल आ रहा है, दूसरा सॉन्ग चूज कीजिए, ये सॉन्ग भी नहीं हो रहा है, दूसरा सॉन्ग ट्राई करते रहे। ट्राई जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतने अच्छे से आप नोट्स फाइंड कर पाओगे। सो ठीक है, आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि कैसे नोट्स फाइंड करते। कोई भी डाउट्स लग रहा है इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, मतलब मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा अगर डाउट होगा तो, ठीक है। तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, आपको खुद चलना है उसके ऊपर। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि आपको मतलब कोई ऐसा चीज़ बता दूँ कि उसके बाद आप तुरंत प्ले करने लग जाओ, और ऐसा कोई आपको दावा कर भी रहा है तो वो सही नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों ये मेरे वर्ड्स पे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस की है चीज़ पे, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने उनमें भी एक्सपीरियंस किया है। वो भी स्टार्ट करते तब एक वीक में एक सॉन्ग में सिर्फ 2 लाइन बना पाते हैं, एक वीक में सिर्फ 2 लाइन, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आते हैं तब अपने आप फिर वो अपने आप सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं आज सॉन्ग बना के। तो ये कैसे हो रहा है, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आराम से बैठिए, प्ले कीजिए, जितना हो सके जितने ज़्यादा नोट्स फाइंड कर सके उतने ज़्यादा नोट्स फाइंड कीजिए, आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सो हेलो एवरीवन, मायसेल्फ जस कुटाला फ्रॉम पिक्सरीज, एंड आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम सीखेंगे कि हम गाने के नोट्स कैसे नोट्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए, गाने के आज कॉर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना, तो ही आपको वीडियो में मतलब समझ आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। तो फ्रेंड्स देखो, ये आज हमारे शूटिंग का 3rd अटेम्प्ट है, मतलब हमने पहले 2 वीडियो बनाए, और पोस्ट प्रोसेसिंग में जब हमने वीडियो को देखा तब वीडियो हमें ही हार्ड लगा कि मतलब हमारे व्यूवर्स को, प्यारे सी ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, बहुत ही हार्ड लैंग्वेज था, और हमने सजेशंस भी मांगे तो उसमें भी हमें वही पता चला कि अभी भी वीडियो की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, थोड़ा ईजी करके समझाना पड़ेगा। तो आज ये हमारा 3rd अटेम्प्ट है, तो आज मैं ट्राई करूँगा कि आपको सबसे मतलब ईजीएस्ट वे में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम कॉर्ड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, अब हम आज जो सीखेंगे, आज हम बुक में सीखेंगे, मतलब मैं आपको बुक में पूरा लिख के समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं कि एकदम इजी वे में मैं आपको समझा सकूं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको बुक दिख रही है, अब यहाँ पे मैं आपको एक स्केल के सारे कॉर्ड्स बताऊंगा, मतलब आपने जब नोट्स फाइंड करना सीखा है तब आपको ये पता चल गया होगा कि आप कौन से स्केल से सॉन्ग फाइंड कर रहे हो, राइट। मतलब ये तो आपको आ ही गया होगा अगर आपने नोट्स का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो, ठीक है। तो नोट्स फाइंड करना आ गया, फिर ये वीडियो को ओपन करना। अगर नोट्स फाइंड करना नहीं आया हो तो मेक श्योर आप पहले आई बटन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, तो मेक श्योर पहले वो वाला वीडियो चेक कीजिए, तो ही आपको कॉर्ड्स वाले में अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक स्केल लिख लूंगा। हम पहले लिखेंगे यहां पे सी मेजर स्केल्स। अब थोड़ा हैंडराइटिंग में फ्रेंड्स थोड़ा चला देना, क्योंकि
प्रैक्टिस नहीं है इतना, मतलब टेंथ के बाद लिखा ही नहीं है मैंने कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लिख लेते हैं पहले स्केल को। सबसे पहले हम सी स्केल में रूट नोड होगा सी, फिर होगा डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, ए, बी एंड लास्ट होगा हमारा सी, ठीक है। तो ये हमने स्केल लिख लिया। अब क्या करना है, अब देखिए, ओके मैं दूसरी स्केच पेन ले लेता हूँ। ओके अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि ये स्केल में कितने मैक्सिमम कॉर्ड्स होंगे, कि मतलब आप जब ये स्केल से सॉन्ग प्ले करो, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे आपको सारे स्केल के नोट्स फाइंड, सारे स्केल के कॉर्ड फाइंड करना है, वो मैं आपको आकर समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी मेजर स्केल। तो अब हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट, इसको ऐसे कर दिया हमने, कौन सा हो गया फर्स्ट नोट, फिर सी स्केल में रह के ये नोट को छोड़ दिया और दूसरा स्केल ले लिया हमने, दूसरा नोट ले लिया सॉरी ई, तो एक एक छोड़ के ई, और एक छोड़ के हमने ले लिया जी। तो कौन से नोट हो गए, सी ई एंड जी हो गया हमारा सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो ये सी ई जी आपको कॉर्ड्स फाइंड करना आ गया अभी, तो आपको ये पता चल जाएगा, ये हो गया हमारा सी ई और जी, तो हो गया सी मेजर कॉर्ड। अब क्या करेंगे हम, अब मैं दूसरी स्केच पेन लेके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको कुछ भी डाउट नहीं आया आज के सेशन में, ठीक है। ठीक चलिए, तो ये मैंने फर्स्ट कॉर्ड फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉर्ड हमने फर्स्ट लेटर ऑफ द स्केल से फाइंड किया, मतलब फर्स्ट नोट हमारा। अब करना है सेकेंड से, ये किया, फिर एक नोट छोड़ के दूसरा नोट, तो ये हो गया हमारा डी एफ, एक नोट छोड़ दिया और यहाँ पे और एक नोट, ये हो गया हमारा ए, तो ये कौन सा हो गया डी एफ ए हो गया। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे डी एफ ए, तो कौन सा डी एफ ए होगा हमारा कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो हमने दो स्केल फाइंड कर लिए, ऐसे ही आपको सारे स्केल से नोट्स फाइंड करने हैं। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो तीसरा नोट कहाँ से फाइंड करेंगे हम, तीसरा नोट हम करेंगे ई से, पहले सी से किया फिर डी से किया, अब ई से करेंगे। तो देखो अब मैंने ये इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ मैं, पहला नोट, फिर ये एक नोट छोड़ के हम दूसरा नोट लेंगे ई वाला, सॉरी जी, ये जी नोट है, तो एक नोट लिया हमने, फिर एक नोट छोड़ दिया, फिर और एक नोट लिया, ये हो गया हमारा जी, फिर एक नोट छोड़ा और एक दूसरा नोट ले लिया, तो हमारा हो गया बी, ठीक है। तो ये ई, एक नोट छोड़ के जी, एक नोट छोड़ के बी, तो ई जी बी, तो अब ई जी बी कौन सा कॉर्ड हो गया हमारा, ई जी बी हो गया हमारा ई माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो तीसरा कॉर्ड फाइंड कर लिया हमने, अब फिर से हम करेंगे चौथा कॉर्ड फाइंड। अब उसके लिए मैं दूसरी स्केच पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने कौन से पहले सी से फाइंड किया लिख दिया, डी से फाइंड किया लिख दिया, ई से फाइंड किया लिख दिया, अब करेंगे सिंपल एफ से। तो ये हमने लिख एफ को मार्क कर दिया, मस्त, ये हो गया एफ, फिर एक नोट छोड़ के ए, फिर और एक नोट छोड़ के सी, ठीक है। तो एफ ए सी, क्लियर, एफ एक नोट छोड़ के ए, एक नोट छोड़ के सी, तो ये हो गया एफ ए सी, तो ये हो गया हमारा एफ मेजर कॉर्ड, क्या लिखा है एफ मेजर कॉर्ड, पहला हो गया सी डी माइनर ई माइनर एफ। अब हम करेंगे और आगे जाएंगे, अब उसके लिए और एक पेन लेंगे हम, अब पेन के कलर खत्म होने लग गए, ठीक है। चलिए अब F से किया, अब G से करेंगे। अब G के लिए देखो मैं थोड़ा ऊपर से मार्क करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कवर हो गया है यहाँ पे। तो ये हमने G नोट ले लिया, फिर एक नोट छोड़ के B लिया, तो अब मैंने B मार्क किया यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको कि G कर लिया फिर B कर लिया, फिर एक नोट छोड़ के अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे तो फिर से C नोट है। तो हमें क्या याद रखना है कि ये दोनों सी नोट सेम ही होते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, राइट, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज हाई होती है, जो हमने आगे लेसन में सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया जी, फिर एक नोट छोड़ के बी, फिर ये दोनों सी छोड़ देने, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही है, अब दो एक ही चीज हो गई तो दोनों को साथ में छोड़ेंगे ना, तो ये नोट छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया क्योंकि दोनों सेम है। तो इसके बाद सी के बाद नेक्स्ट कौन सा लिखा है हमने, डी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट नोट होगा हमारा
दी। तो कौन सा किया हमने, जी किया, एक नोट छोड़ के बी किया और यहाँ पे एक नोट छोड़ दिए जे वाले और डी ले लिया, हो गया जी बी और डी। तो कौन सा हो गया ये हमारा, जी मेजर कॉर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको क्योंकि बहुत सारे मार्किंग मैंने कर ली है, लेकिन आपको इसी तरह से मैं समझाऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए ये सब चीज़ें। अब हम फाइंड करेंगे फिर से ए से, क्योंकि हमने पहले सी से कर लिया, डी से कर लिया, ई से कर लिया, एफ से कर लिया, जी से कर लिया, अब और दो नोट्स बचे हमारे, तो हम ए से करेंगे। ए मार्क किया मैंने, फिर एक नोट छोड़ के हमने सी लिया। ठीक है, अब सी ले लिया मतलब ये हमें काउंट नहीं करना, एक बार ये सी काउंट कर रहे तो ये सी काउंट नहीं करना है। ठीक है, मतलब अगर ये सी काउंट कर लिया हमने एक नोट छोड़ के या कोई भी ये सी काउंट कर ले तो ये सी काउंट नहीं करना फिर। ठीक है, तो ए सी और ये, फिर एक नोट हमने छोड़ दिया यहां पे और हो गया ई। ठीक है, तो ये हो गया ए, एक नोट छोड़ के सी, एक नोट छोड़ के ई, ए सी एंड ई, तो ये हमारा हो गया ए माइनर कॉर्ड। अब दूसरा फाइंड करेंगे हम, अब हम बी से फाइंड करेंगे, तो बी के लिए और एक स्केच पेन ले लेते हैं। अभी हमने कर लिया बी से, अब देखो मैं बी मार्क करूंगा यहां पे। अब आपको पता ही है क्या करना है, बी किया तो ये नोट को छोड़ दिया, मतलब इस नोट को हमने काउंट कर लिया, हमने लीव कर दिया इसको, तो ये भी छोड़ देंगे। फिर हो गया हमारा डी डी, फिर एक नोट और छोड़ के एफ, सिंपल, तो बी डी एफ, तो ये हो गया बी डी एफ। अब ये कौन सा कॉर्ड है, ये तो हमने कोई सीखा ही नहीं है, तो ये हमारा हो गया बी डिमिनिश कॉर्ड, मतलब बी डिम लिखेंगे इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हमने सात कॉर्ड फाइंड कर लिए। ठीक है, अब मैं देखो ना यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, ये पेन से नहीं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये जो सी से स्टार्ट करेंगे तो फिर से वही हमारा होगा, सी ई जी नो कॉर्ड होगा हमारा। तो ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया हमारे स्केल के सात कॉर्ड। अब इनमें से आपको ट्राई एरर करके फाइंड करना है कि आपका अगर सॉन्ग सी स्केल पे है तो उसके ऊपर कौन सा कॉर्ड सूट कर रहा है। अब देखो उसका भी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सी स्केल से सॉन्ग फाइंड करो, ठीक है, आप कोई भी स्केल से कर सकते हो और कोई भी स्केल से कर रहे हो, उसमें आपको सेवन कॉर्ड नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी वाले कॉर्ड्स कौन से होंगे हमारे, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, मतलब हमारा सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड एंड ए माइनर कॉर्ड। ठीक है, ये हमारे होंगे सारे प्रायोरिटी वाले कॉर्ड्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रहेगी, मतलब ये हमने एक स्केल का कर लिया, अब वैसा ही मैं फटाफट आपको माइनर स्केल का करके दिखा देता हूँ। मतलब ये सेम ही चीज़ करूँगा मैं, एक एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, सी ई जी, एक छोड़ के एक, मतलब ऐसे मैं सारे कॉर्ड लिखूंगा। और याद रखना है हमें हमेशा सेवन्थ कॉर्ड जो होगा वो हमारा डिमिनिश कॉर्ड होगा। ठीक है, ये याद रखना है कि हमेशा जो हमारा सेवन्थ कॉर्ड रहेगा डेट विल बी आवर डिमिनिश कॉर्ड। ठीक है, उसको भी हम बहुत ही रेयर यूज करते हैं कोई सॉन्ग में। ठीक है, तो ये हम आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने सात कॉर्ड फाइंड किए। अब मैं आपको कोई माइनर स्केल का करके फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को फास्ट करेंगे, सो लेट्स गो। ठीक है, तो ये देखिए हमने कर लिया डी माइनर स्केल कर लिया और डी माइनर के सारे हमने कॉर्ड्स लिख लिए। अब ये हो गया हमारा माइनर स्केल। ठीक है, हमने जो पीछे मेजर स्केल किया था ये वाला, अब उसमें क्या किया हमने कि ये मेजर स्केल था तो मतलब जो डिमिनिश कॉर्ड है वो लास्ट में आया। अब वैसे ही जब हम माइनर स्केल करेंगे तो जो डिमिनिश कॉर्ड होगा वो हमारा सेकेंड कॉर्ड आएगा। ठीक है, देखो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, जो डिमिनिश कॉर्ड है वो हमारा सेकेंड कॉर्ड होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रायोरिटी वाले कॉर्ड्स देखे थे, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और वैसे ही यहाँ पे हमारे प्रायोरिटी वाले कॉर्ड होंगे फर्स्ट फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। ठीक है, कौन से कॉर्ड हो गए हमारे, दूसरी पेन ये रही। ठीक है,
मतलब आपको अभी समझ आ गया होगा कि प्रायोरिटी वाले कॉर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए हम जाते हैं हमारे सी मेजर स्केल पे और इस पे आपको मैं एग्जांपल सॉन्ग के साथ बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा स्केल है, ठीक है। ये कॉर्ड भी मिल गया, स्केल भी मिल गया। अब हम देखते हैं कि कोई भी सॉन्ग पे हम कैसे सॉन्ग कॉर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जो हमने ट्यूटोरियल पोस्ट किया था इसका, ठीक है। अब देखते हैं, अब पहले आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि कौन सी जगह पे हमारा कॉर्ड होगा, ठीक है। मतलब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट पे हम कॉर्ड प्ले करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो संग की लिरिक्स कैसी है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब इसमें कॉर्ड कौन से जगह पे होगा, देखो मेरी क्लैपिंग, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मतलब दो कॉर्ड हुए हमारे। तो हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई पे कॉर्ड आना चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि ई नोट जहाँ पे जो नोट पे हम सस्टेन कर रहे हैं वो नोट को यूज करके हम कौन सा कॉर्ड बना पाते हैं स्केल में रह के, ठीक है। ये मैं सी मेजर स्केल की बात कर रहा हूँ, ऐसे आपका सॉन्ग कोई भी स्केल में हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। आपको क्या करना है, जो स्केल में उस स्केल के कॉर्ड ऐसे लिख लेना है, आपको लिस्ट सामने रखनी है, फिर आपको चेक करना है कौन सा कॉर्ड सूट करेगा इसके ऊपर, ठीक है। ई है, अगर आप चाहते हो, अगर आप ये सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते ये सब प्रायोरिटी वाले कॉर्ड्स की, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉर्ड प्ले करना, वहाँ पे सातों के सातों कॉर्ड एक एक बार प्ले करके चेक कर लीजिए कौन सा कॉर्ड सूट कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे कॉर्ड आना चाहिए, पहले कॉर्ड होगा फिर यहाँ पे, मतलब ये ई नोट होगा, तो राइट। अब ई नोट जब हम प्रायोरिटी कॉर्ड्स में चेक करेंगे, देखो मैं याद रखना, मेजर कॉर्ड का प्रायोरिटी होता है 1, 1, 4, 5, 6 और माइनर कॉर्ड्स के प्रायोरिटी कॉर्ड्स होंगे हमारे 1, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था हमें कि जब आपने सॉन्ग प्ले किया तब पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसमें स्टार्टिंग में ई नोट पे सस्टेन किया, तो हमने ई माइनर क्यों यूज़ नहीं किया। देखो ई माइनर यहाँ भी यूज़ हुआ है, तो ई माइनर क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो हमारे प्रायोरिटी कॉर्ड में नहीं है, राइट। और अगर ई माइनर प्ले भी कर सकते हो लेकिन वो साउंड ही अच्छा नहीं करेगा, देखो दोनों बहुत ऑकवर्ड, मतलब कंबाइन नहीं कर रहे दोनों, एकदम प्रॉपर साथ में सूट नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम करेंगे सी कॉर्ड, क्योंकि सी में एक ई आता है, सी कॉर्ड में ई नोट आया और एक दूसरा हमारा प्रायोरिटी कॉर्ड में ए कॉर्ड में ई आ गया, तो दोनों कॉर्ड हमारे सूट कर सकते हैं। तो देखते हम, ठीक है, ये हो गया हमारा सी कॉर्ड, तो ये सूट कर गया। मतलब आपको ऐसे चेक करना है कि कौन से नोट पे हम सस्टेन कर रहे हैं और वो नोट हमारे प्रायोरिटी कॉर्ड्स में आता है कि नहीं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये जो दूसरे कॉर्ड्स जो हमने लिखे 2, 3, 7 वो सब चेक करने हैं। और अगर आपको ये प्रायोरिटी कॉर्ड्स के झंझट में नहीं पढ़ना है तो आप सारे कॉर्ड्स एक एक बार प्ले करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, चलिए ये वाला हमने देख लिया था, अब एक माइनर स्केल का एग्जांपल है, कौन तुझे सॉन्ग लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कौन तुझे का हमें कॉर्ड आइडेंटिफाई करना है, कौन से जगह पे कॉर्ड होगा, तो तू आता है सीने में, राइट। तो 1, 2 दो कॉर्ड हुए, तो अब देखते हैं हमारे प्रायोरिटी कॉर्ड कौन से, डी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मेजर एंड सी। अब देखते हैं कौन से नोट पे सस्टेन करते हैं, राइट। तो ये ए है, राइट। अब देखते हैं कि हमारे प्रायोरिटी कॉर्ड में ए कहां पे आया, डी एफ ए, यहां पे ए नोट आया, वैसे ही हमारा ए माइनर में भी ए नोट आया, तो हमारे देखो ये वाले जो दो यहाँ पे प्रायोरिटी कॉर्ड में, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, दो कॉर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन है, तो हालांकि हम ट्राई करेंगे डी माइनर यूज़ करेंगे, तो अब देखते हैं, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता है कि ये सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं डी माइनर स्केल से सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये डी माइनर स्केल से मैंने सॉन्ग को प्ले किया, अब आप यही सॉन्ग को दूसरे कोई स्केल से कर सकते हो, लेकिन उसको आपको कॉर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि कोई भी सॉन्ग जो प्ले कर रहे हो, जो स्केल में प्ले कर रहे हो, उसके सारे कॉर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए, उसके प्रायोरिटी कॉर्ड्स मार्क कर लीजिए और फिर चेक कीजिए कि जो नोट पे आप सस्टेन कर रहे हो वो नोट हमारे कॉर्ड में आता है, तो वो कौन सा कॉर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे कॉर्ड आएगा, मतलब यहाँ पे कॉर्ड आएगा, तो ये हो गया हमारा ई नोट। अब हमारा ई नोट कौन से कॉर्ड में आता है देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखो मैं दूसरी पेन से दिखा देता हूँ आपको, ठीक। अब हमारा ई नोट पे सस्टेन कर रहे, तो प्रायोरिटी कॉर्ड में एक तो ए माइनर में ई आता है और एक दूसरा सी में ई आता है, राइट। मतलब ये दो कॉर्ड में हमारा ई नोट आता है, तो हम दोनों को ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते दोनों को ट्राई करके, ओके अब देखते, चलिए पहला कॉर्ड तो फिक्स हो गया हमारा,
देखो अब ये भी साउंड अच्छा ही कर रहा है, इतना गंदा, इतना एकदम बेकार साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, दो कॉर्ड हमारे पास है तो हमें दोनों को ट्राई करके देखना है। देखो ऐसे ये साउंड और दूसरा साउंड, ठीक है, दोनों साउंड अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें बेटर रख, हमें ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, सी लग रहा है। अब आपके ईयर आपको जो बोले कि ये कॉर्ड अच्छा है तो आपको यही कॉर्ड प्ले करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने मेथड सीख ली तो वही मेथड से हम कॉर्ड्स प्ले करेंगे और वही कॉर्ड्स हम यूज करेंगे। हर एक आर्टिस्ट अपने डिफरेंट कॉर्ड्स प्ले करता है और हर एक आर्टिस्ट अपने ईयर के हिसाब से कॉर्ड को डिसाइड करता है। अब मैं कुछ और कॉर्ड्स डिसाइड करूंगा तो आप कुछ और कॉर्ड्स डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों मैं या तो मैं सही हूँ या तो आप सही है, हम दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एक माइनर स्केल का एग्जांपल ले लिया और एक मेजर स्केल का। अब मेजर स्केल में और एक हम एग्जांपल लेते हैं। आपको इसमें मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कौन से स्केल से सॉन्ग फाइंड कर रहे हो और उस स्केल के सारे कॉर्ड्स, उसमें से प्रायोरिटी कॉर्ड्स 1 4 5 6 और माइनर में था 1 5 6 7। अब पापा कहते हैं बड़ा नाम करेंगे, उसमें आगे देखते हम। पहला कॉर्ड हमारा फिक्स हो गया था, कौन सा था, हमारा पहला कॉर्ड था सी, ठीक है। तो अब देखो मैं थोड़ी बुक को बाहर नीचे कर लेता हूं ताकि आपको पैर अच्छे से दिखे। अब देखते हैं, चलिए यहां पे सी पे कॉर्ड आएगा हमारा, राइट। तो अब हम हमारे प्रायोरिटी कॉर्ड्स में चेक करेंगे हमने सी कहां कहां पे यूज किया है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी कॉर्ड्स हमारे 1 4 5 6, तो हम अब हम चेक करेंगे हमारा सी कहां कहां पे यूज हुआ है। देखो प्रायोरिटी कॉर्ड में एक तो सी यहां पे यूज हुआ है और एक सी यहां पे यूज हुआ है, ठीक है। तो हम 4 मतलब F कॉर्ड और A माइनर कॉर्ड दोनों ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो अब कौन सा करना है हमें, F और A माइनर। सबसे पहले A माइनर करेंगे फिर F करेंगे, ये भी अच्छा लग रहा है, और F ट्राई करेंगे, ठीक है। ये दूसरा कॉर्ड D पे सस्टेन किया हमने, राइट, D पे। तो अब देख लेते हैं हमारे प्रायोरिटी में D कॉर्ड कौन से कहाँ पे आता है, सिर्फ G में आता है, दूसरे कोई कॉर्ड में D नहीं आता, B डिमिनिश में आता है, लेकिन वो फिर प्रायोरिटी कॉर्ड नहीं है हमारा, ठीक है। तो ऐसे आपको जो आपको सॉन्ग पसंद आया, जो आपके सॉन्ग के नोट्स फाइंड कर रहे हो, वो सॉन्ग में क्या करना है आपको कि वो सॉन्ग का स्केल के सारे कॉर्ड्स लिख लेने, उसमें से प्रायोरिटी कॉर्ड्स मार्क कर लेने और प्रायोरिटी कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एक 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 ट्राई एरर करके चेक करते रहना है आपको कि कौन सा कॉर्ड सूट कर रहा है। और अगर आपको प्रायोरिटी कॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा है साउंड सुनने में तो स्केल के दूसरे जो 7 कॉर्ड है उसमें ट्राई कीजिए। अब इसमें भी सेम ही चीज़ है नोट्स फाइंड करने में, मतलब नोट्स फाइंड करने जैसा ही है कि जब आप स्टार्टिंग में कॉर्ड्स फाइंड करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत बड़ा टाइम लगेगा एक सॉन्ग के कॉर्ड्स निकालने में, फिर धीरे धीरे टाइम कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। मतलब आपको एक बार सारे स्केल के प्रायोरिटी कॉर्ड्स याद रह गए, और ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। मतलब एक बार आपको ये सारे कॉर्ड्स याद रह गए फिर आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो। देखो अब मुझे कोई बोले कि ऑन द स्पॉट कोई सॉन्ग प्ले करना है तो हम चलो ऑन द स्पॉट कोई सॉन्ग प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले कौन तुझे वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा था कॉर्ड्स को फाइंड करना, तो अब मैं आपको समझाता जाऊंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे सी क्यू प्ले किया, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे सी क्यू प्ले किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी नोट है और सी कॉर्ड में जी नोट आता है। अब वैसे आप डी माइनर में दूसरा कोई देखो तो जी माइनर में भी जी आता है, लेकिन वो हमारा प्रायोरिटी कॉर्ड नहीं है। प्रायोरिटी कॉर्ड हमारा डी माइनर, सी, ए शार्प एंड ए माइनर। अब यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर सकते थे, सिर्फ सी यूज़ करते क्योंकि उसमें हमारा नोट आता है। और हर बार मैं एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि हर बार से ज़रूरी नहीं है कि जो नोट पे हम सस्टेन कर रहे हैं उसी का कॉर्ड देखना है, उसके आजू बाजू के भी नोट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हो गया हमारा डी नोट पे सस्टेन करे, तो यहाँ पे का तो या तो हम डी माइनर यूज कर सकते हैं या तो हम ए शार्प यूज करते हैं क्योंकि हमारे प्रायोरिटी कॉर्ड है सी, सॉरी डी माइनर, सी, ए शार्प एंड ए माइनर। तो हम या तो डी माइनर यूज करेंगे या तो ए शार्प यूज करेंगे। पहले ए शार्प करेंगे, स्टार्टिंग से करते एक बार, ये भी अच्छा लग रहा है, और दूसरा देखते हैं, दोनों अच्छा लग रहा है। तो मतलब आपको उसे ट्रायल करके चेक करना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आपको जो अच्छा लग रहा है आपको नोट डाउन कर लेना है बुक में कि ये लाइन में ये कॉर्ड, क्योंकि आप बार बार भूल जाओगे स्टार्टिंग में जब आदत नहीं होगी हमें तब, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम सॉन्ग के कॉर्ड्स निकालते हैं। आपको एक स्केल के सारे कॉर्ड्स लिख लेने,
उसमें से प्रायोरिटी मार्क कर देना है और उसमें ट्राई करके चेक करते रहना कि कौन सी लाइन में कौन सा वाला कॉर्ड हमारा सूट कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखता है। आई होप आपको मजा आया होगा, और आपको मजा आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा थर्ड अटेम्प्ट है और आई गेस कि हमें पता नहीं है कि ये वीडियो भी हमारा एयर मतलब प्रीमियर होगा कि नहीं। हम देखेंगे लास्ट में कि हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग। सो हेलो एवरीवन, myself जश कुटाला फ्रॉम पिक सीरीज, एंड जैसा कि मैं थंबनेल में पढ़ा, आज सीरीज का आखिरी वीडियो है और इसमें मैं आपको एक अल्टीमेट टिप बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करनी है। सो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने सीरीज में 10 वीडियोस को कवर किया है। ठीक है, अब ये 10 वीडियोस, ये 10 टॉपिक्स ऐसे है कि हर एक को जो पियानो सीखना स्टार्ट करता है उसको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप कोई कोर्स करते हो, मतलब कोई इंस्टीट्यूट से करते हो या कोई क्लासेस में करते हो, तो वहां पे भी आपको 110% ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे ही होंगे। और यही चीज हमने आपको सिस्टमेटिकली पूरी चीज फ्री में दी है विथ फ्री वर्कशीट्स, और साथ साथ में कुछ हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर किए, जैसे कि नोट्स कैसे फाइंड करें, कॉर्ड्स कैसे फाइंड करें। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको सीखना है और हमने कवर नहीं किया है। तो जिस वीडियो पे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी, जिस वीडियो की, जिस टॉपिक की ज्यादा रिक्वेस्ट होगी, वो हम जल्द से जल्द कवर करने की ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपके लिए अल्टीमेट टिप क्या है। ठीक है, देखो ये 10 टॉपिक्स है, और अब आपको ऐसा नहीं करना है कि एक टॉपिक को मतलब ओपन किया, एक दो बार प्रैक्टिस किया अलंकार, एक दो बार प्रैक्टिस किया एक्सरसाइज, एक दो बार प्रैक्टिस किया कॉर्ड्स, एक दो बार प्रैक्टिस किया स्केल्स, ऐसा एक दो बार प्रैक्टिस करके भगा नहीं देना है। मतलब सीरीज को खत्म नहीं करना है। हम खत्म करने के लिए सीरीज को नहीं देख रहे, हम किस लिए सीरीज को फॉलो करेंगे कि हमें एक्चुअल में पियानो सीखना है। ठीक है, तो 10 टॉपिक्स है, तो अगर आप मैक्स टू मैक्स एक टॉपिक पे एक वीक तक टिकते हो, राइट, एक टॉपिक पे एक वीक तक, तो हमारे कितने वीडियोस है सीरीज में? 10 वीडियोस है, राइट, 10 टॉपिक्स है हमारे, तो आपके 2.5 months होंगे, राइट। लेकिन ये 2.5 months वर्थ होंगे, मतलब आप उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तब आप मुझे लाइफ टाइम याद रखोगे और ये कोर्स आपको लाइफ टाइम बेनिफिट्स देगा। और ये 2.5 months तो मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब अगर आप ज्यादा कैपेबल हो, आप अगर ज्यादा फास्ट कंप्लीट कर सकते हो लेसन को, तो आप कर सकते हो, लेकिन वीडियोस को स्किप नहीं करना है। मतलब आप जो 10 सेकंड स्किप करके फटाफट सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेते हो, लेकिन वो नहीं करना है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बात अगर मिस हो जाती है, मतलब एक्सरसाइज में जो छोटी छोटी टिप मतलब जो बीच में आ जाती है, मतलब वो फ्लुएंट होती है, राइट, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं। तो अगर आपने वो सब चीजें मिस कर दी, फिंगर पोजिशन मिस कर दी, तो आपकी प्रैक्टिस में डिले होगा। ठीक है, मतलब पूरा थरोली वीडियोस को देखना है और थरोली पूरी सीरीज को प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया, देखो अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, इतना मतलब मैं आपको अपनी जबान दे रहा हूं कि आपको बेनिफिट करेगा ही और आपको पियानो आ ही जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो कुछ तो बात होगी ना राइट वीडियो में। अगर आपको मुझ पे 1% भी भरोसा है, सिर्फ 1% भी भरोसा है, तो आप सीरीज को थरोली फॉलो करना और मतलब सारे लेसन्स को प्रॉपरली 1 by 1 कंप्लीट करना। और अब बात करते हैं कि इसकी वर्कशीट्स की, राइट। तो देखो, वर्कशीट्स आर जस्ट फॉर रेफरेंस, मतलब आपको वीडियो बार बार ओपन नहीं करना पड़े, इसलिए वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी पूरी सिस्टमेटिकली फ्री में वर्कशीट मिल रही है। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, तो सारे लेसन्स की आपको PDF फाइल, सारे लेसन्स की वर्कशीट्स आपको अच्छे से प्रॉपरली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो की मतलब बिगिनर से लेकर एडवांस की सीरीज को आप यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है, आपको सीखना है, मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जो मतलब नीचे कमेंट कीजिए वीडियो में, जो टॉपिक की ज्यादा रिक्वेस्ट होगी हम उसे जल्द से जल्द कवर करेंगे, यही वीडियो में मैं आगे एड ऑन करता जाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए सीरीज को, थरोली प्रैक्टिस कीजिए, टाइम देके प्रैक्टिस कीजिए और दिल से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सीरीज से बहुत बेनिफिट होगा और आपको पियानो में बहुत सारी हेल्प होगी। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।